सारा खबरें आज रात, वेलकम बैक टू द 362nd एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज 6th ऑफ सितंबर 2023 है और आज हमारे साथ मौजूद एक बहुत ही खास मेहमान आदम जब्बार, हु इज ए लॉयर, अ लॉ एक्सपर्ट। ही पर्टिकुलरली फोकसेस ऑन टेक्नोलॉजी लॉ, स्टार्टअप लॉ, एंड रिसेंटली रोट अ बुक ऑन यूजिंग AI इन लीगल प्रैक्टिस, जो कि पूरी दुनिया में सेल हो रही है। आज इस कॉन्वर्जेशन के अंदर वी टॉक अबाउट द इम्प्लीकेशंस ऑफ यूजिंग AI इन लीगल मैटर्स। क्या जजेस को AI से रिप्लेस किया जा सकता है? क्या आप जो एग्जिस्टिंग लॉयर्स हैं वो ChatGPT और डिफरेंट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू अपने वर्क फ्लो किस तरह आसान कर सकते हैं? आने वाले वक्त में पोटेंशियली क्या एवोल्यूशन होती हुई नज़र आ रही है नाउ दैट दीज टेक्नोलॉजीज, जो ये जनरेटिव AI टेक्नोलॉजीज़ जो अब हमारे सामने आ गई हैं, इनसे क्या क्या एवोल्यूशनरी चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वेरी वेरी फैसिनेटिंग कॉन्वर्जेशन, वन ऑफ द फ्यू जो कि पाकिस्तान में मिलती हैं, जो कि थोड़ा सा हमें दे हेल्प अस इमेजिन एंड ड्रीम ऑफ अ फ्यूचर, पर्टिकुलरली दैट विच कंटेन्स टेक्नोलॉजी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर कॉन्वर्जेशंस लाइक दिस। अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, आपको नहीं पता इससे बहुत फ़ायदा होता है हमें और हमारे एल्गोरिथम को। सो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी थॉट्स प्लीज़ डू शेयर दैम इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। आई रीड ऑल ऑफ दैम एंड आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू टू मेक द क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्जेशन एंड द क्वालिटी ऑफ कॉन्टेंट बेटर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। बट एनी वेज, दिस इज़ आदम जब्बार on Thought Behind Things, Islamabad Studio. Adam bhai, kaise hain? How are you? I'm good, Jeev. Muzammil, aap sunaye? Zabardast, behtareen. मुझे ये बताएं, आपने रिसेंटली एक बुक निकाली है ChatGPT for Lawyers 101 Practical Prompts. What's the thought behind that? जी, थॉट कुछ ऐसे हैं कि आई एम अ लॉयर माई सेल्फ एंड विद अ फोकस ऑन टेक्नोलॉजी लॉ। टेक लॉ मुझे फैसिनेट भी करता है, थोड़ा पैशनेट भी हूँ, फिर प्लस मैंने एक रिसेंटली थोड़ी पढ़ाई भी की थी इसमें। आई डिड कोर्स फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी CS फॉर लॉयर्स, तो इस फील्ड में थोड़ा सा मेरा शौक था। डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर भी 3-4 साल से काम कर रहा हूँ, तो AI काफ़ी मुझे फैसिनेट करता था। राइट तो जैसा कि सब लोग ये अब जानते हैं, अब तो ChatGPT इज़ समथिंग दैट ऐसा कोई भी नहीं है जिसको इसके बारे में ना बताओ। बेसिकली इट्स अ लैंग्वेज मॉडल, 3.5 आया, फिर अब 4 चल रहा है, इसके बाद भी इसका नेक्स्ट अपडेट आएगा। ये बेसिकली इट्स मेड टू ऑटोमेट टास्क वगैरह, AI इसके ऊपर सारा काम करता है। तो GPT बेसिकली फॉर लॉयर्स, जो मैंने ये बुक लिखी है ChatGPT फॉर लॉयर्स, ये 101 प्रैक्टिकल प्रॉम्प्ट्स हैं कि आप अपनी लीगल प्रैक्टिस में AI को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। दिस इज़ मेक बेसिकली अ बुक दैट मेक्स लाइफ ऑफ अ लॉयर ईजी। एक लॉ फर्म और एक वकील, दोनों की लाइफ को ये ईजी बना देती है। तो प्रॉम्प्ट्स इसमें मैंने 101 प्रैक्टिकल प्रॉम्प्ट्स इसमें मैंने जो है कंपाइल किए थे। प्रॉम्प्ट्स बेसिकली ज़बान होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक वेटर को कहते हैं कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो दैट्स अ प्रॉम्प्ट AI की ज़बान में। मैं सिंपलर टर्म्स में बता रहा हूँ, आई विल यूज़ लेमैन टर्म्स सो दैट द ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड। तो इसी तरह जो है हमारे लीगल प्रोफेशन में ChatGPT में भी प्रॉम्प्ट्स हैं। तो आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट ChatGPT को देंगे, वो उतना अच्छा आपको आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा। राइट तो लीगल प्रॉम्प्ट्स बेसिकली होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिव्यू दिस कॉन्ट्रैक्ट फॉर मी और समराइज फलाना लॉ फॉर मी, दीज आर बेसिकली प्रॉम्प्ट्स। तो मैंने एक जो है अपने लिए जो इस्तेमाल करता था अपनी लीगल प्रैक्टिस में, मैं GPT के प्रॉम्प्ट्स, मैंने वो सारे 101 की लिस्ट कंपाइल की एंड आई पब्लिश देम इन द फॉर्म ऑफ अ बुक। वो बुक मैंने अमेज़ॉन पे ई बुक पर परफॉर्म में डाल दी किंडल के ऊपर। और पहले भी मैंने दो किताबें लिखी थी, वन वाज हाउ टू नेविगेट इंटरनेशनल प्राइवेसी लॉज एंड वन वाज लीगल इम्प्लीकेशंस ऑफ AI। थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ जाऊंगा, 2011 में मेरे फादर का पब्लिशिंग हाउस भी था। राइट उन्होंने भी माशाल्लाह 9 किताबें लिखी हैं, तो थोड़े से उनसे भी मैंने वो जीन्स जरासीम थोड़े से लिए हैं। राइट तो मेरा भी लिखाने का शौक था। मैं न्यूज़पेपर में भी काफ़ी ओपिनियंस वगैरह लिखता रहता हूँ ऑन दिस एरिया ऑफ लॉ एंड मुख्तलिफ। मैंने एक 2011 में भी बुक पब्लिश की थी 100 इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानी, जिसमें मैंने 1-to-1 डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अब्दुल सारिदी, सबके इंटरव्यूज कंडक्ट किए थे टू शो अ पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान टू द वर्ल्ड। तो इस बुक का अभी जो है इंस्पिरेशन वहीं से आई कि पहले भी किताबें लिखने, तो इसके ऊपर कुछ करें। प्राइवेसी लॉज के ऊपर मैंने पहले लिखी, मेरा एक नीश है, फिर मैंने लीगल इम्प्लीकेशन जैसे भी बताया उस पर की।
तो वन फाइन डे मैंने सोचा कि मुझे लोगों ने पूछना शुरू किया मेरे लीगल फ्रेटर्निटी से, मेरे कॉलीग्स ने, कि हमें भी सिखाओ तुम चैट जीपीटी कैसे यूज़ करते हो भाई, किस तरह ड्राफ्ट्स वगैरह पे। मैं कहता हूँ इसको मैं एज अ टूल यूज़ करता हूँ, रिसर्च तो मैं अपनी करता हूँ, ड्राफ्टिंग भी मेरी अपनी होती है, मगर मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ कि मेरा काम जल्दी हो जाए, मुझे एक अच्छा सा ड्राफ्ट तैयार कर दे, आई फर्दर इन्हेंस इट। तो लॉ फर्म सारे मुझे कहते कि हमें सिखाओ, तो आई थॉट के रादर देन टीचिंग एवरी वन आई शुड मेक अ बुक एंड आई शुड पब्लिश इट इन द वर्ल्ड। मैंने फिर रात को बैठा एक दिन और मैंने सारी लिस्ट प्रॉम्प्ट की लिस्ट बनाई कि ये प्रॉम्प्ट अच्छा है, ये अच्छा रिजल्ट देता है। तो आई पब्लिश्ड इट ऑन अमेज़ॉन। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वोक अप, पहले भी दो किताबें लिखी थी, दो चार लोगों ने ली होंगी अमेज़ॉन पे, बट व्हेन आई वोक अप तो तकरीबन 151 कॉपी सेल हुई हुई थी। तो आई वॉज क्वाइट अमेज एंड सरप्राइज कि इस पर रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। फिर जी US में कुछ लीगल टेक उनकी वेबसाइट्स हैं, उनके ब्लॉग्स हैं, उन्होंने पब्लिश करना शुरू कर दिया इस बुक के बारे में कि एक वकील ने जी किताब लिखी है और ये बड़ी अच्छी है एंड इसमें प्रॉम्प्ट्स हैं, इट मेक्स योर लाइफ ईजियर एज अ लॉयर। उन्होंने भी खरीदना शुरू कर दी। फिर UK से भी अच्छा रिस्पांस, वहाँ भी लोग खरीदना शुरू हो गए। करते करते पाकिस्तान तक खबर पहुँच गई। ट्रिब्यून वालों ने अप्रोच किया, उन्होंने एक खबर लगा दी। मैंने सोशल मीडिया खोला तो देखा जी यहाँ भी वो खबर चल रही है। खैर फिर बा काउंसल्स ने अप्रोच किया, बा काउंसल्स वालों ने किताब मांगी। मैंने कहा आप खरीद लें अमेज़ॉन से, कहते नहीं आप हमें गिफ्ट करें, आप तो भाई हैं, हमारे वुकला में वैसे भी भाईचारा थोड़ा ज़्यादा होता है, हमारी काफ़ी यूनाइटेड प्रोफेशन है ये पाकिस्तान में। आई थिंक द रेयरेस्ट एक ही प्रोफेशन है जो यूनाइटेड है, वो वुकला का है। राइट. तो खैर मैंने उनको फ्री कॉपीज दे दी, मैंने कहा इट्स एजुकेशन फ्री, तो जितनी फैले उतना अच्छा है। तो करते करते माशाल्लाह काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स आया। आज भी तकरीबन रोज़ की 30-40 कॉपियाँ निकल रही हैं इसकी एंड माशाल्लाह इट्स डूइंग वेरी वेल। वेरी कूल। आई वांट स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन विद just talking about AI in law. Mm-hmm. Just obviously most recently humne isko bas dekha ki acha GPT aa gaya, so GPT in itself ke andar kuch cheeze up and down ho sakti hai, but generally overall if you look at the way that AI is evolving, so before the whole GPT revolution log kehte the generally ke creative industries jo hain they will be the last ones to get disrupted. That's right. Or interestingly, जब ये स्टार्ट हुआ तो क्रिएटिव वॉज द फर्स्ट वन टू बी राइट। बिल्कुल। ओरिजिनली कहा जाता था कि कुछ एरियाज जो के जो जो जिसमें मेमोरी बहुत ज़्यादा यूज होती है वो बहुत क्विकली डिस्टर्ब होंगे, पैरालीगल लीगल जनरली। वेरी ट्रू। हाउ डू यू सी द यूज ऑफ AI इन द लीगल प्रोफेशन, नॉट जस्ट राइट नाउ बट ओवरऑल आने वाले वक्त के अंदर? देखिए जी मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा AI से पहले का ज़माना। AI खैर हमें लगता है कि इट्स अ न्यू थिंग, मगर ये बहुत पुरानी चीज़ है। 1950 से 56 में सबसे ज़्यादा काम हुआ, इट वाज़ द बर्थ ऑफ AI। एलन ट्यूरिंग एक डेवलपर था जिसने चेकर्स गेम बनाया था और वो पहला चेकर्स गेम था जो इंडिपेंडेंटली कंप्यूटर एक ह्यूमन ओपोनेंट के साथ खेलता था। तो वो भी आप देखे जाएँ एक AI बेस्ड मॉडल ही था जो करता था। वकालत का प्रोफेशन ऐसा है कि इसमें टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी इवॉल्व करती है। वही बात है, जैसे क्रिएटर्स सबसे पहले अफेक्ट हो रहे हैं, इसी तरह वकालत का प्रोफेशन भी अनफॉर्चुनेटली AI से अफेक्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, जितनी मर्ज़ी जस्टिफिकेशन दे दें अफेक्ट होता है। तो जो है हमारे लीगल प्रोफेशन में आज से 25 साल पहले चले जाएँ, पाकिस्तान की बात कर लें, पाकिस्तान भी जल्दी अडेप्ट कर लेता है। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग टेक्नोलॉजी को नहीं करते अडेप्ट, हम लोग करते हैं। 25 साल पहले चले जाएँ, एक लॉ फर्म में चले जाएँ, कोई सीनियर लॉयर हों जैसे एतज़ाज़ अहसन साहब हैं या एम रज़ा कसूरी साहब हैं, उनके दफ्तर में अब कोई केस आया, अब केस की उन्होंने जी पहले रिसर्च करनी है, उसने देखना रेलिवेंट लॉज क्या अप्लाई होते हैं और इसमें जो है केस लॉज क्या होते हैं। केस लॉज बेसिकली प्रेसिडेंट्स होते हैं जो एज ए रेफरेंस हमें जजेस को प्रेजेंट करने होते हैं, उसके ऊपर डिसीजंस आगे बेस करते हैं, लीगली बाइंडिंग होते हैं वो। तो वो क्या करते थे, वो लाइब्रेरीज में जाते थे, एक बड़ी सी लाइब्रेरी होती थी वकीलों की, उसमें कोई 10,000 किताबें होती थी, उसमें से दे हैड टू फाइंड आउट द राइट बुक कि इसमें रेलिवेंट लॉ कहाँ पर है। They had to find the case laws from each and every book. तो research करना एक बहुत ही मुश्किल काम था वकील के लिए। तो आज से 8-10 साल पहले पाकिस्तान में एक वेबसाइट आ गई, उसका नाम था जी पाकिस्तान लॉ साइट। पाकिस्तान लॉ साइट ने क्या किया, उसने कहा हम एक डेटाबेस बनाते हैं, PLD पब्लिशर्स के नाम से काफ़ी फेमस है हमारे, एवरी लॉयर नोज अबाउट इट। उन्होंने वेबसाइट बनाई, उन्होंने कहा सारे जुडिशल डिसीजन जो हैं 90% ऑफ देम, बहुत सारे नए भी हैं उसमें, वो उन्होंने अपलोड कर दिए उस डेटाबेस पे। एक केस लॉ रिसर्च वेबसाइट का पोर्टल बना दिया, उसकी मुनासिब सी फीस लगा दी अराउंड 3,000 रुपीज़ अ मंथ,
और कहा आप बजाय लाइब्रेरी में जाएं आप केस लॉ की रिसर्च घर बैठ के अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे कर लें। तो वो जो एक काम था रिसर्च वाला वो ऑनलाइन डेटाबेस ने उसको ओवरकम कर लिया। मुख्तलिफ स्टाफ जो रखा होता था जो लाइब्रेरी जाके देख के आता था वो बेचारा उसका काम ख़त्म हो गया। अब जो है आज का जो मॉडर्न वकील था AI के यूज़ से पहले तक वो लॉ साइड पे जाता था अपना केस रिसर्च करता था। सिमिलरली US में LexisNexis के नाम से पोर्टल है अभी एक केस नेक्स्ट आ रहा है तो वो चीज़ जो है इस तरह इवॉल्व करती रही। सिमिलरली जब ChatGPT आ गया और AI का यूज़ आ गया तो जितना डेटा आपने जो है सिखाया हुआ है AI को भी आप बेसिकली इसी तरह करते हैं उसके डेटाबेस में जितना डेटा देते रहें आप जितनी उसको किताबें पढ़ाते रहें वो उसी तरह ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह अपनी रीजनिंग देता है थिंकिंग देता है उसी डेटा को जो आपने सिखाया होता है कंप्यूटर को व्हाट यू टीच हिम वो उसी के हिसाब से आउटपुट देता है। तो लॉ की किताबें पढ़ाना शुरू कर दी GPT को। OpenAI ने सबसे ज़्यादा इसके ऊपर काम किया और सबसे ज़्यादा डेटा भी उन्होंने लॉ का दिया। जर्नल्स पढ़ाए केस लॉस पढ़ाए खैर US के ज़्यादा पढ़ाएँ पाकिस्तान के कम पढ़ाएँ पाकिस्तान का भी डेटा काफ़ी कम है OpenAI पे। तो वो करते करते जी ये चीज़ भी ओवरकम हो गई। लीगल रिसर्च जो है 70-80% काफ़ी एक्यूरेट है GPT पे 30-40% फ्लॉज हैं एरर्स देता है तो लीगल रिसर्च को ये खा गया। तो ये एक टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन ऐसी है AI की लीगल प्रैक्टिस में कि रिसर्च का काम को सबसे ज़्यादा अटैक किया इसने सबसे पहले। सेकेंड लॉ फर्म के ऑटोमेटेड डेली टास्क को ये ख़त्म कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 4 एसोसिएट्स बिठाए हुए लॉ फर्म में जिनका काम है कोई रिट पिटिशन ड्राफ्ट करना हाई कोर्ट की या कोई लीगल नोटिस तैयार करना तो वो जो ड्राफ्ट्स आपके पहले दिनों में तैयार होते हैं वो चंद मिनटों में हो जाते हैं। प्लस आपकी जो ई डिस्कवरी का काम है इसको मैं जो पाकिस्तान लॉ साइड का है इसको भी काफ़ी हद तक ये कर लेता है। गलत भी करता है मगर सही भी काफ़ी चीज़ें कर देता है। अब जो इसके कोड इंटरप्रेटर्स आ गए नए प्लगइन्स आ गए ब्राउज़र चलता है GPT-4 से उससे केस लॉ रिसर्च वो भी काम होना शुरू हो गया है इसमें काफ़ी बेहतर हो गया मॉडल डेवलप कर रहा है। तो इस तरह जो है जी AI का यूज़ वो वकालत के प्रोफेशन को काफ़ी टेकअप कर रहा है। अच्छा अगर इफ आई वांट टू लुक एट एंड आई हैव हैड दिस कन्वर्सेशन बिफोर ऑन अ पॉडकास्ट शायान कैसर की थी ऑन अगेन उसका एक पूरा सेगमेंट है ऑन AI। ओके अगर मैं 2 मिनट के लिए मैं जो अभी हो रहा है उसको साइड पर रखता हूँ। ओके पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर जो मसला चल रहा है इस टाइम के ऊपर वही चल रहा है कि केसेस बहुत ज़्यादा हैं प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं एवरीबडी है। मेरा आपसे कोई मसला हो जाता है मैं कहता हूँ यार मैं कोर्ट चला जाता हूँ और अगर मैं देखूँ कि उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या आ रही है तो वो ये आ रही है कि देर इज़ अ ह्यूज बॉटल नेक लाइक एक फनल है। बहुत ज़्यादा केसेज हैं दरमियान में जो एक्चुअली फाइनल डिसीजन करने बैठे हैं वो जजेस बहुत थोड़े हैं या लॉयर्स इनफ नहीं हैं और यू नो सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड उसमें फर्दर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि व्हेन यू पुट इन ह्यूमंस तो उसमें ह्यूमन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं लॉयर स्ट्राइक पे चले जाते हैं वो यू नो एक के बाद एक पेशियां लगाते रहते हैं तारीख पे तारीख राइट। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ दैट जो जनरली कहा जाता है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ इंसाफ का प्रॉब्लम है पाकिस्तान में बिजनेस इस वजह से नहीं आता बिकॉज उसके एसेट्स प्रोटेक्टेड नहीं है उसको ये है कि यार कोर्ट्स में जाके कुछ होगा नहीं होगा वगैरह। तो जब मैं AI को सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में उस चीज़ की पोटेंशियल एक सोल्यूशन आता है। अब अगर मैं इसके अंदर इफ आई रियली गो पुट माई सॉर्ट ऑफ थिंकिंग हैड ऑन सो आई ट्राई टू ब्रेक डाउन द मॉडल ऑफ लॉ या जो लीगल प्रोफेशन है उसको मैं अगर ब्रेक डाउन करूँगा तो मुझे नज़र आएगा कि यार होता क्या है कि दो लोग हैं उनके कोई ना कोई सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं एक बंदा कहता है एक बंदा दूसरे को अक्यूज़ करता है ऑफ समथिंग और उन दोनों की अपनी कोई वो है कि मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल कि नहीं यार मैंने ये किया है बेस्ड ऑन दिस दूसरा बंदा जो है उसको डिफेंड कर रहा है वो उसके ऊपर वो कर रहा है एक दरमियान में जज है जो कि एक्चुअली बेस्ड ऑन इनपुट्स एंड पास्ट हिस्ट्री वो एक डिसीजन लिख रहा है। अच्छा एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट आई कैन रियली ब्रेक दिस डाउन राइट कि मेरे पास इनपुट आ रही है मेरे पास प्रोसेसिंग हो रही है मेरे पास उसकी आउटपुट आ रही है। अब जब मैं उसके अंदर AI को ऐड करता हूँ तो एक जज है जिसने लेट्स से 100 केसेस सुने हैं और उसकी अपनी कोई नॉलेज बेस है तो वो एक बहुत अच्छा जज है जिसने 1000 सुने हैं तो उसने वो बहुत ज़्यादा अच्छा जज है और वो उसके हिसाब से वो कर सकता है। अगर मैं AI लाता हूँ तो AI जो है वो तो थियोरेटिकली 1,00,000 केसेस सुने हैं उसने और वो उसके हिसाब से आपको जवाब दे रहा है राइट। सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर मी टू रियली रिमूव द लेयर वेयर ह्यूमंस एग्जिस्ट इन द फर्स्ट प्लेस and just automate the entire thing. So what stops me, for example, from filing a case or my lawyer filing a case online on a website
सेंडिंग इट टू द डिफेंडेंट वेयर दे हैव एन ऑप्शन के यार तुम अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स लिख दो, वो अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स लिखता है, दे बोथ द मिनट द बोथ हैव प्रेस्ड सेंड, तो एक मिनट के अंदर मुझे जजमेंट जो है ना वो रिसीव हो जाती है, राइट? सो हाउ डू यू सी द लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, क्योंकि ये सोल्यूशन वैल्यू एडिशन में तो है, जाहिर है इसकी तो मैंने एक आइडियल केस बनाया है, इसके 10,000 मसले हो सकते हैं, बट हाउ डू यू सी द पोटेंशियल सोल्यूशन दैट मे इवॉल्व फ्रॉम समथिंग लाइक दिस, कंसिडरिंग द फैक्ट के अगेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट बड़ी सिंपल है कि मेरे पास ह्यूमंस का प्रॉब्लम है, मेरे पास इनफ जजेस नहीं है, मेरे पास इनफ कोर्ट रूम्स नहीं है, मैं AI को यूज़ कर सकता हूँ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, हाउ डू यू सी दैट पोटेंशियली इवॉल्विंग? दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दैट यू हैव प्रेजेंटेड, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की लीगल प्रोफेशन में सबसे बड़ा मसला यही है, एंड फॉर द जनरल पब्लिक एज वेल, के एक्सेस टू जस्टिस इज स्टिल वेरी डिफिकल्ट, लोगों को इंसाफ मुश्किल से मिलता है, लेट मिलता है, वजहें बहुत सारी हैं, एक तो है हमारी ओवर पॉपुलेशन, इट्स द फिफ्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, केसेस बहुत ज़्यादा हैं, हज़ारों के हिसाब से केसेस हैं, जजेस कम हैं, फिर हमारा जो कोर्ट के प्रोसीजर्स हैं, जैसे हमारा सिविल को गवर्न करता है सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल को करता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो भी जो मैकेनिज्म बना हुआ है आई थिंक दे आर क्वाइट आउटडेटेड, उनको भी अमेंड होना चाहिए, अभी उसके ऊपर भी नए लेजिस्लेशन आने चाहिए, तो पुराने कवानीन हैं सब में, तो एक बड़ा स्लो सा सिस्टम बना हुआ है टू डिसाइड केसेस, अनफॉर्चुनेटली कोई एक केस आज स्टार्ट करें, आपको किसी से पैसे लेने हैं, रिकवरी स्टार्ट करें, बीइंग फ्रॉम द प्रोफेशन इज़ वेल, मैं जो हूँ दीज आर द इश्यूज़ दैट नीड टू बी हाईलाइटेड, मैं जो हूँ आई टेल देम ऑनेस्टली कि अगर कोई आता है मेरे पास कहे ये रिकवरी सूट करना है और मुझे पैसे चाहिए जी अपने एक हफ्ते में, दैट्स इम्पॉसिबल, कोई है ही नहीं मैकेनिज्म पाकिस्तान में, वो जाएगा जी एक हफ्ता तो उसको केस लगने में लग जाएगा, पहले लीगल नोटिस से स्टार्ट होगा, फिर करते करते जी पहली तारीख पे अगली पार्टी को नोटिसेज हुए, नोटिसेज होने में ही महीना लग गया, फिर तारीख पड़ी, फिर दूसरी तारीख पड़ी, फिर तीसरी पड़ी, जजेस भी बेचारे उनका भी कोई फॉल्ट नहीं है, दे ट्राई टू वर्क हार्ड, बहुत अच्छे जजेस हैं पाकिस्तान के मोस्ट ऑफ देम, बट जो है रश इतना होता है, टाइम नहीं होता केस सुनने का, तारीखें बढ़ती रहती हैं, पाइल अप होते रहते हैं केसेस, और अगर आप कोर्ट के जो हैं जाएँ रजिस्ट्रार ऑफिस वगैरह देखें तो पूरे पूरे पहाड़ हैं जी केसेस केस फाइल्स के, कम अज़ कम जी 10-15 कमरे भरे हुए होते हैं जो पुराना रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। AI के ज़रिए जी मेरे पास भी किस तरह का एक सिमिलर कॉन्सेप्ट मेरे भी दिमाग में आया है, एंड आई वुड लाइक टू वर्क ऑन दैट इज़ वेल, कि सबसे पहले जो हमें करना चाहिए, आई थिंक पेशावर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टैंड लिया है, कि जो भी आप केस फाइल ले रहे हैं और कोई भी सबमिट हो रही है, कोई एफिडेविट हो रहा है, कोई भी कागज़ अदालत में अगर सबमिट हो रहा है, दैट शुड ऑल्सो बी सबमिटेड एज अ सॉफ्ट कॉपी, डिजिटल कॉपी सबसे पहले जमा कराना शुरू करें, अभी सारा हार्ड कॉपीज़ के ऊपर काम हो रहा है, पेपर के ऊपर काम हो रहा है। देखें जी पेपर की ज़रूरत पड़ती है एविडेंस के लिए, बहुत दफ़ा जी आपका डिजिटल एविडेंस चलता भी है, स्क्रीनशॉट्स भी आपके एडमिसिबल एविडेंस हैं, बट एट टाइम्स आपका डिजिटल एविडेंस एडमिसिबल नहीं होता, जो इंपॉर्टेंट वाला है उसकी हार्ड कॉपी रख लें, मगर सबसे पहले जी सॉफ्ट कॉपीज़ बनाना शुरू करें, ताकि जी आपका एक डिजिटल डेटा बेस ऑफ केसेस पाकिस्तान में बनना शुरू हो, इसके ऊपर सारी अदालतें स्टैंड लें, इसके ऊपर काम हो, डेटा जब इनपुट होगा उसके बाद आपका AI मॉडल जो है दैट कम्स इन टू प्ले, AI को जी सारे वो केस आप जितने पाकिस्तान के हैं आप उसको मशीन लर्निंग में उसको इनपुट डालना शुरू कर दें, वंस द कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट्स लर्निंग के पाकिस्तान में क्या केसेस हैं, क्या चल रहे हैं, किस तरह के डिसीजंस हैं, दैट वुड बी अ वेरी इफेक्टिव मॉडल, वो जब कंप्यूटर सीख जाएगा कि ये केसेस चल रहे हैं और पुराने केसेस ये हैं, जो आपने मुझे कॉन्सेप्ट बताया वो उसके साथ एक वंडरफुल तरीके से काम कर सकता है, जो एक्सपेडाइट कर देगा कोर्ट प्रोसेस को, जजेस के लिए बहुत हेल्प हो जाएगी, दे कुड ईजिली सी विद अ क्लिक कि इस केस में क्या है भाई, इसको कितनी जल्दी निपटाया जा सकता है, मेरा इतना वर्कलोड है, जल्दी जल्दी केसेस के फैसले होने शुरू हो जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि जजेस अपने फैसले AI के ऊपर बेस करें, दे यूज़ इट एज अ टूल, डू नॉट ओवर रिलाई ऑन इट। डू यू थिंक इन 100 ईयर्स इवन जजेस वुड इवन बी रिक्वायर्ड दो? That's my question. At least on a very sort of grassroots level, session court judges, do you think there is a requirement for them 100 years from now? जो intellect है ना, और ये मैं same चीज़ I talk to doctors as well. Okay. Doctory में क्या होता है? जो सबसे मुश्किल profession है, जैसे पैसे वाले profession है, right? Doctory और doctory और legal. Yeah. क्योंकि आपको दिमाग चाहिए होता है, आपको लर्न करना होता है, सारी चीज़ें करनी होती हैं, उसके बाद फिर आप जाके उन चीज़ों को प्रोसेस करते हैं, राइट? सो एक डॉक्टर का भी यही है कि वो जाता है और जाके डॉक्टर इज एज गुड एज द अमाउंट ऑफ केसेज सीन, और वो केसेज आपको क्या बता रहा है बेसिकली कि डॉक्टर ने 10,000 केसेज किए हैं तो उसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ही कैन देन डिफाइन के एक रन टाइम में जो केस आया है मोस्ट लाइकली वो क्या होगा बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस, राइट? जो जो कि जितना भी अच्छा डॉक्टर हो जाए व्हेन यू ऐड एन AI टू इट,
सो वो इंक्रीमेंटली एक्सपोनेंशियली ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा अगर सेम मेथडोलॉजी अप्लाई की जाए, राइट? सो इसी तरीके से द वे दैट आई सी इट, और आज मैं कह सकता हूँ 10 मसले हो सकते हैं, मे बी आप पहले कहें कि यार टेक्नोलॉजी की लेयर डालें, उसके बाद फिर AI को ट्रेन करें, उसके बाद फिर जजेस जो हैं वो AI की मदद से काम लें, सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट इन 100 ईयर्स, लाइक इफ आई वर टू रियली इमेजिन वेयर दिस इज गोइंग, द वे दैट आई वुड अंडरस्टैंड इज लॉयर्स आई स्टिल थिंक वुड स्टिल बी यूजफुल, नॉट एज यूजफुल एज दे आर टूडे, बिकॉज वही वाली बात है कि उनकी एक्सपर्टीज में 90% काम जो है वो टेक कर रही होगी एंड देल जस्ट बी द इंटरफेस बिटवीन. हाँ, बट जो जजेस हैं उनकी जो जो उसकी मुझे वो समझ नहीं आती कि वॉट इज़ द यूज़ ऑफ देम 100 ईयर्स फ्रॉम नाउ, कंसिडरिंग के जो वो करते हैं, मतलब जो उनका काम है वो काम सारा ऑटोमेट हो सकता है. देखें जी, आज की बात करें 100 ईयर्स तो काफ़ी आगे है. जो पिछले 3-4 साल में टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में डेवलपमेंट हुई है, जितनी इवॉल्व की है, उससे तो काफ़ी हैरानकुन चीज़ें हुई हैं. AI इज़ वन ऑफ द एग्जांपल के जो चीज़ हम समझते थे लाइफ में कभी भी नहीं हो सकती वो होना शुरू हो गई है. तो प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर के 100 साल बाद क्या होगा आज से, दैट इज़ दैट कुड बी कि ये हो भी सकता है एंड ये नहीं भी हो सकता. AI जजेस की जॉब ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता, अगर कोई बहुत इफेक्टिव मॉडल बन जाता है. बेसिकली व्हाट जजेस डू, आपने बोला जजेस की क्या जॉब होती है, जजेस क्या करते हैं जी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस होते हैं, हाई कोर्ट के होते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, राइट? जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होता है उसका काम होता है वो ट्रायल चलाता है. ट्रायल बेसिकली होता है पूरे केस को चलाना फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड. उसमें होता है कि वो एविडेंस भी देखता है, वो विटनेसेस को भी बुलाता है, वो देखता है अक्यूज को कि विटनेसेस क्या कह रहे हैं, प्रोसिक्यूशन टीम क्या कह रही है, डिफेंस विटनेसेस क्या कह रहे हैं, वो सबको सुनता है. फिर उसके बाद जी वो सारा केस पूरा पढ़ता है, वो फैक्ट्स ऑफ द केस को कंसिडर करता है, वो फिर केस लॉस को देखता है, प्रेसिडेंट्स को देखता है कि इन केसेस में क्या फैसले हुए थे, वो सब करके एक अपना एनालिसिस पूरा करके जब ट्रायल कंप्लीट हो जाता है, नॉर्मली अ ट्रायल टेक्स अयर और 2 years और 3 years टू कम्प्लीट, जब वो कम्प्लीट हो जाता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का या जो सेशन कोर्ट का जज होता है वो अपना फैसला उसके ऊपर दे देता है बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड बेस्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ बोथ पार्टीज, द प्रोसिक्यूशन एंड द जो अपोनेंट पार्टी. तो वो अपना एक न्यूट्रल डिसीजन देता है कि मुझे ये सही लगता है, एंड प्लस ही गिव्स द डिसीजन बेस्ड ऑन द लॉ, व्हाट द लॉ सेज एंड व्हाट द केस लॉ जो भी उस पर हो जाए. सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ज़्यादा लीगली बाइंडिंग होते हैं, वो देखता है उसमें क्या फैसला हुआ, वह लॉ क्या कहता है, उसके मुताबिक वो अपना एक फैसला दे देता है. प्लस वो थोड़ा सा अपना ह्यूमन कैपेसिटी भी यूज़ करता है, अपना ब्रेन भी यूज़ करता है कि किसी के साथ इनजस्टिस तो नहीं हो रहा, किसी के साथ गलत तो नहीं हो रहा, थोड़े मॉरल प्रिंसिपल्स भी आ जाते हैं. लीगल ज्यूरिसप्रूडेंस एक बहुत वास्ट फील्ड है, वो सारी चीज़ों को कंसिडर करता है तो फिर एक अपना एक फैसला देता है. तो आज की डेट में अगर देखें तो AI ये काम नहीं कर सकता. इट कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमंस, इट कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन जजेस. ह्यूमन कैपेसिटी और ह्यूमन डिसीजन मेकिंग चाहिए होती है. 100 साल बाद देखें ऐसी कोई चीज़ आ जाए कि वो जजेस की जगह ले ले एंड इट कुड डू ऑल दैट थिंग्स जो अ जज वुड डू, वो जी AI इतना समझदार हो कि जी वो विटनेसेस को भी पढ़ के समझ जाए, वो सारी चीज़ें समझ गया. मगर अगर कोई यूनिक केस आ जाए, वो AI में नहीं डेटा इनपुट हुआ हुआ, उसमें उसको मसला होगा. बट AI में जो सबसे बड़ा मसला अभी आगे आने वाला है, जिसमें अभी दुनिया में कोई भी काम नहीं कर रहा, इज़ दैट द रेगुलेशन ऑन AI, कि AI के ऊपर क्या रेगुलेशंस और क्या कानून दुनिया में आएंगे. अभी तो ये एक ओपन खुली चीज़ है, चल रही है वाइल्ड तरीके से, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है. चाइना ने अभी इसके ऊपर रेगुलेशंस बनाने का थोड़ा स्टार्ट किया है. यूरोपियन यूनियन इज़ एग्रेसिवली वर्किंग ऑन रेगुलेटिंग AI को रेगुलेट करने की क्यों ज़रूरत है, इसमें 4-5 चीज़ें आती हैं. नंबर 1, एथिकल कंसिडरेशंस, बायस्ड. AI गिव्स बायस्ड ओपिनियंस, अभी भी दे रहा है. फॉर एग्जांपल, थोड़ी सी रेसिस्ट बात है मगर हकीकत है, आप आज कोई जॉब एडवर्टाइजमेंट करें पाकिस्तान में या दुबई में और कहें जी मुझे आई विल बी हायरिंग अ ब्रिटिश मैनेजर, फलाना इतनी सैलरी ये वो, या मैं फलाने को हायर करूँगा, ये सैलरी है, ये स्किल्स होने चाहिए वो, एम्प्लॉयर क्या पता है बायस्ड नेचर का हो और वो चाहता हो मैं इस खास रेस के बंदे नहीं रखूँगा, मैं इसके नहीं रखूँगा, आई वॉन्ट हायर ब्लैक पर्सन, आई वॉन्ट हायर दिस. और AI को सिखाया हुआ है कि भाई यू वुड बी शॉर्ट लिस्टिंग दीज फलानी रेस वाले कैटेगरी के लोग एंड यू वॉन्ट बी, यू विल फिल्टर आउट ऑल दो CVs. तो वो जब ऐड उसने दिया तो वो डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेटरी आपका हो गया सारा काम, उसमें वो सारे शॉर्ट लिस्ट हो गए,
जो सिर्फ जो है एआई को सिखाया गया था कि फ़लानी रेस अच्छी होती है, फ़लाने लोग ज़्यादा काबिल होते हैं जी, फ़लानी नेशनलिटी का बंदा ज़्यादा अच्छा होता है, उसको कर लिया, तो ये बाकी जितने कैंडिडेट्स थे बहुत डिस्क्रिमिनेटरी उसके लिए हो गया। तो एआई जो है बायस्ड काफ़ी है अपने चीज़ों में, और इसके ऊपर जो है ईयू इसी के ऊपर काम कर रहा है कि ऐसे लॉज हैं कि द एआई जनरेटेड कंटेंट इज़ नॉट बायस्ड। सेकंड, हाउ डज वन स्टॉप दैट दो? आई मीन द एआई इनहेरेंटली इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमंस, राइट? सो व्हाट इट्स डूइंग इज पर्टिकुलरली ओपन एआई, व्हाट इट्स inherently yeah. doing is that's right it's taking content from people and learning from it, yeah, so it will be biased because people are yeah, inherently right. biased and Bilkul. it would stop being biased if people are inherently not biased. Bilkul. Right. So I mean you could have regulation ke the AI should not be biased. How do you ensure that it doesn't? Again, this is a very gray area and no one knows how to regulate it right now. यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में इसकी डिबेट उठी है और इसी के ऊपर अभी बातचीत हो रही है, तो डिस्कशन मेनली रिलाइज ऑन दिस कि कैसे रेगुलेट करना है, इसकी बायस्ड अप्रोच को कैसे ख़त्म करना है, इसकी डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच को कैसे ख़त्म करना है, एआई इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसको कैसे रेगुलेट करना है, फिर लोगों में एक लेजीनेस आ गई है, ओवर रिलायंस ऑन एआई आ गई, लोग कहते हैं जो खुद काम एक क्रिएटिविटी थी वो ख़त्म हो रही है वकालत के प्रोफेशन में, क्रिएटर्स के प्रोफेशन में, पहले सब अपने दिमाग से एक चीज़ बनाते थे तो वो क्रिएटिविटी ख़त्म हो रही है, उसके ऊपर रेगुलेशंस आ रही हैं। कॉपीराइट्स का सबसे बड़ा मसला आएगा कि क्या अभी भी सबसे बड़ा मसला है, कोई इसका राइट आंसर नहीं देता। मैं अपनी रिसर्च करता हूँ इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कि जो एआई जनरेटेड कंटेंट है हु ओन्स इट। अगर आप ओपन एआई की टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें तो वो कहते हैं द यूज़र जनरेटेड, जो भी यूज़र अपने प्रॉम्प्ट दे के अपना कॉन्टेंट तैयार कर रहा है, इट्स ओन्ड बाई द यूज़र बट पार्शली इट्स ओन्ड बाई द ओपन एआई एज वेल। उन्होंने बहुत वेगली इसको बताया हुआ, कोई क्लियरली नहीं बताया हुआ। तो आप कोई कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं एआई के ज़रिए एंड यू इन फ्यूचर यू क्लेम इट कि नहीं ये तो मैंने लिखा, ये तो एआई ने नहीं लिखा, फिर जी वही डेटा किसी और ने सिखाया हो और वो आपको दे दे और आप उसकी ओनरशिप ले लें, वो आगे डिस्प्यूट करे कि ये बात तो मैंने कही थी भाई आज से 50 साल पहले, तुमने एआई से जनरेट करवाई और तुम कह रहे हो कि मेरे इसके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। तो ये बहुत सारे मसले मसाइल हैं दैट नीड टू बी एड्रेस्ड और इसके ऊपर रेगुलेशंस आना ज़रूरी है। ओपन आई एआई या कोई भी एआई मॉडल है, हम सिर्फ जीपीटी पे नहीं, हज़ारों अब तो आ गए हैं एआई के सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, इन सबको क्लियरली स्टेट करना चाहिए कि हम जो अपना एआई जनरेटेड कॉन्टेंट दे रहे हैं हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कॉन्टेंट, नंबर वन। ये मेरी अपनी पसंद कि ये रेगुलेशन होनी चाहिए। नंबर टू, हु ओन्स द कॉन्टेंट? डेटा तो किसी और ने सिखाया है, लगता तो यही है कि जो वो अपना आपको एक कंटेंट दे रहा है मगर जो चीज़ उसको सिखाई हुई है वो उसी को बेसिकली प्रोड्यूस कर रहा है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है दो लोग सेम प्रॉम्प्ट्स हैं तो सेम रिजल्ट आ जाता है, राइट? मगर मोस्ट ऑफ द टाइम होता है डिफरेंट रिजल्ट आता है बट बहुत दफ़ा सेम आ जाता है, कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है। तो ये चीज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में काफ़ी कंसर्न होगी। फिर जी डेटा प्राइवेसी का बहुत बड़ा मसला आएगा। आई ऑलवेज एडवोकेट फॉर डेटा प्रोटेक्शन एंड डेटा प्रोटेक्शन पे काम भी कर रहा हूँ। अभी कोई रेगुलेशन नहीं है, सब लोग खुला जो है अपना सेंसिटिव डेटा भी आई एम श्योर शेयर कर रहे हैं जीपीटी के साथ। लोग अपनी पर्सनल बातें भी उससे पूछ रहे होते हैं, उसको एज ए मेंटल कोच भी लेके चल रहे हैं, लोग उसको एज ए साइकोलॉजिस्ट भी लेके चल रहे हैं। आप जो उसको उसको रोल दे दें, आप बोलते हैं यू विल एक्ट एज ए लॉयर, यू विल एक्ट एज ए डॉक्टर, वो हर चीज़ बन जाता है। फिर आप उसको उसके साथ एक कन्वर्जेशन स्टार्ट कर लेते हैं, आप अपना पर्सनल डेटा और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सब देना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी की नीयत ख़राब हो जाती है या डेटा किसी रॉन्ग हैंड में चले जाता है या वेबसाइट हैक हो जाती है तो वो क्या सारा डेटा लीक हो जाएगा, सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी? तो डेटा प्राइवेसी के ऊपर भी रेगुलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। देन जी ऑथेंटिसिटी एआई जनरेटेड कंटेंट की क्या ऑथेंटिसिटी है? अब फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ, मुझे नहीं पहले पता था शुरू शुरू में कि एआई जो है वो गलत केस लॉस प्रोड्यूस करता है या वो फिक्शियस केसेस बनाता है। हाल ही में आज से एक महीना पहले US में दो लॉयर्स थे मैनहट्टन में, उन्होंने जी केस फाइल किया अमेरिका में US जज के सामने, और जज साहब ने जब केस देखा तो वो बेसिकली उन्होंने केस ChatGPT से तैयार कराया हुआ था, उन्होंने बताया नहीं जज को। केस लड़ना शुरू हुए, उन्होंने कहा जी फलाने केस में ये हुआ था जज साहब, फलाने केस में। सो दैट US जज वॉज सरप्राइज कि मैंने तो अपनी वकालत में मैंने भी पढ़ी है जी, मैंने भी आगे अपनी ट्रेनिंग ली है मगर मैंने आज तक ये केसेस सुने नहीं है, तुम कौन से केसेस बता रहे हो मुझे, ये कौन से लॉज बता रहे हो, दीज लॉज डोंट इवन एग्जिस्ट। तो फिर खैर दिखता है की तो पता चला जी जज साहब ने कहा ये तो आपने सारा AI जनरेटेड केस तैयार कराया, डिडंट यू सी इट? तो वकील ने मान लिया, वहाँ तो मान जाते
यहाँ तो अपनी गलती कोई नहीं मानता, वहाँ मान जाते हैं. उसने कहा जी सर, यस योर ऑनर, आई मेड दिस केस थ्रू दी हेल्प ऑफ जीपीटी. जीपीटी ने बनाया और उसी ने ये फिक्शियस केस बना दिया. मुझे नहीं पता था कि वो इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है एंड इट्स माय फॉल्ट कि मैंने इसको मॉनिटर नहीं किया, मुझे देखना चाहिए था. तो फिर उन्होंने डिसीजन दे दिया यूएस जज ने कि आइंदा जो भी यूएस में केसेस अब फाइल होंगे तो एवरी लॉयर हैज़ टू गिव एन एफिडेविट दैट दिस इज एआई जनरेटेड कंटेंट एंड आई हैव सुपरवाइज्ड इट एंड आई हैव प्रूफ रेड इट एंड आई हैव मॉनिटर्ड इट. तो उसको $5,000 का फाइन हो गया. तो एक ये प्रेसिडेंट सेट हो गया है इस बात में कि आप एआई जनरेटेड कंटेंट बगैर सुपरविजन से आगे नहीं दे सकते बगैर रिव्यू करे. तो ये एक बेसिकली एरिया है, इसके ऊपर ऐसा ऐसा अभी चीज़ें काम हो रहा है. What are your thoughts on this? आपने कुछ सवाल रखे सामने, बड़े अच्छे सवाल आते हैं कि जो AI का content है, who is responsible, yeah. who owns it, yeah. And how do you deal with the data privacy? Let's start with the who is responsible. What are your thoughts on who? देखें, if we take the basic legal principles, जो दुनिया में universal legal principles हैं कि who is responsible. For example, company है आज, for example we take Nestle. Nestle की bottle में से पानी अगर खराब निकले तो वी विल सू नेस्ले. हम कहेंगे भाई नेस्ले इज़ रिस्पॉन्सिबल. नेस्ले का एम्प्लॉय हमारे साथ कुछ गलत करता है तो हम फिर भी नेस्ले को ब्लेम करेंगे. एक लॉ में हमारा एक प्रिंसिपल होता है वाइकेरियस लाइबिलिटी का. वाइकेरियस लाइबिलिटी का प्रिंसिपल ये कहता है दैट इवन इफ़ द एम्प्लॉय डज एनी मिसहैप विद एनी वन, लिमिट्स अपनी पर्सनल लाइफ के नहीं, विद इन द वर्क स्पेस या अपने वर्क काम के दौरान वो कुछ गलत करता है, मैं इजी टर्म्स में समझाऊंगा, तो द एम्प्लॉयर इज़ रिस्पॉन्सिबल. कंपनी ओनर वही रिस्पॉन्सिबल होता है. सिमिलरली जीपीटी में अगर कोई गन मारता है, लीगली आप इसको देखें, मेरे थॉट्स समझें, दुनिया क्या कह रही है, दैट सेपरेट, बट आई थिंक द डेवलपर इज रिस्पॉन्सिबल. ओपन एआई इज रिस्पॉन्सिबल, ये वाइकेरियस प्रिंसिपल के लाइबिलिटी. बट अगर मैं फॉर एग्जांपल उसी को करूं, देखें ये प्रोडक्ट है, फर्क है, ये सर्विस और प्रोडक्ट में फर्क होता है. फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी जो है वो इट्स अ सेंटर ऑफ थॉट एंड इंटेलेक्ट, और वो बच्चा जो है वो जाके सोशल मीडिया पे अजीब वगैरह बातें करता है, ब्लास्फेमस बातें कर देता है जो कि लीगली सही नहीं है. Do you hold the university responsible? No, I'll hold that kid responsible. Right, so वहाँ पे वो vicarious law क्यों नहीं होगा? Because अगर again difference between a product and an intellectual service, right? So that's why. That's a different thing. वो भी आपकी बात भी काफ़ी हद तक ठीक है कि basically that is educating the student. But student आगे जो भी करे, university जो है वो अपनी responsibility को disclaim करती थी कि हमने सिर्फ पढ़ाया है, आगे ये जो भी करे इसको लाइफ में सक्सेस मिले या फेलियर मिले, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. कल को हमें सू करने ना आ जाए कि मैं इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा था एंड आई डिडंट गेट अ गुड जॉब, मैं यहाँ से पढ़ा था जी इसलिए मैंने इस तरह की बातें की हैं. जैसे लोग स्टीरियोटाइप करते हैं जी ये फलाना इस यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ इसलिए ख़राब है ये उसका, दैट दिस इज़ रॉन्ग. एंड हर बंदा अलग होता है, डिफरेंट नेचर का होता है. बट आप जब सर्विसेज बिजनेस में आ जाएँ, खासतौर पर SaaS प्रोडक्ट्स में, तो आपकी जो वेबसाइट है उसमें जो कॉन्टेंट प्रोड्यूस होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूयॉर्क टाइम्स का अपना ब्लॉग है, अगर वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रहा है या कोई डेफिमेटरी कॉन्टेंट पोस्ट कर रहा है, तो वी हैव द राइट टू सू न्यूयॉर्क टाइम्स. श्योर, बट देयर इज अ डिफरेंस इन प्लेटफॉर्म्स, राइट? न्यूयॉर्क टाइम्स कम्स आउट एंड क्लेम्स अ सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू कैन नॉट सू विकिपीडिया. यू कैन सू न्यूयॉर्क टाइम्स, कैन नॉट सू विकिपीडिया. इट्स द सेम, इट्स नॉट एज ब्लैक एंड वाइट के वो प्लेटफॉर्म में एक यूजीसी. सो इट्स वेरी सिंपल, फेसबुक के ऊपर कोई स्टेटस के ऊपर फेसबुक को आप क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबल ठहराते? बिकॉज वो ये कहते हैं कि यार यू नो हमारी लायबिलिटी नहीं है कि यूजर का कॉन्टेंट जनरेट कर रहा है. सिमिलरली लीगली तो इनके लिए निकलना बहुत आसान है, बिकॉज वो आप उसको जिस तरह से भी पकड़ेंगे, आप जिस तरह से भी रेगुलेट करेंगे, वो स्टार्ट में आपको एक बड़ा करेंगे कि भाई ये कॉन्टेंट जो है, इट्स लाइक again it's like you don't hold the teacher responsible for the sins of the student. Yes, right? that's true. And with the current AI jo chal rahi hai, so jo aapki GPTs hai effectively, large language models hai, wo to keh hi rahenge ji we are working as a teacher, right? So we are saying ke hamari ek depth of knowledge hai, us depth of knowledge se hum aapko ek certain cheez de rahe hain, आप उस सर्टन चीज़ के साथ क्या करते हैं वो आपका प्रेरोगेटिव है. वो स्टार्ट में आपसे जाके उस चीज़ की अग्रीमेंट लेकर टेक मार्क ले, दैट्स राइट. अब आप उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हाउ डू यू होल्ड द प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबल फॉर बीइंग द रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज रादर देन द इंडिविजुअल हु यूटिलाइज दैट नॉलेज इन द रॉन्ग वे. देखिए अगर आपका ये जो पर्सपेक्टिव है इसको हम लेकर चलें तो फिर तो जी डेवलपर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, फिर जो है वो यूज़र ही रिस्पॉन्सिबल है. अगर यूज़र जनरेटेड कंटेंट के एरा में ये उसके एम्बिट में आ जाता है फिर तो यूज़र इज़ सोली रिस्पॉन्सिबल.
SaaS सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, ये जितनी हमारी स्टार्टअप्स वगैरह हैं, आई ड्राफ्ट टर्म्स एंड कंडीशंस मायसेल्फ फॉर US स्टार्टअप्स, तो जितनी भी होती हैं इनकी कोशिश होती है टू मिनिमाइज लाइबिलिटी कि हमारे ऊपर कल को कोई बुराई नहीं आई। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में फूड पांडा है, दराज है, US में अमेजोन है, कोई है, आप उनकी टर्म्स ऑफ सर्विसेज पढ़ें तो आपको उनके क्लॉजेस पढ़ के ऐसा लगेगा कि जी ये तो सब हर चीज़ से जान छुड़ा रहे हैं, हमारे ऊपर तो कुछ भी नहीं है। बट खैर लॉ ने एक सर्टेन उनके ऊपर एक सुपरविजन रखी होती है कि आप इस बाउंड्री से हद तक नहीं निकल सकते। खैर टेक स्टार्टअप्स को हमेशा से बहुत छूट है, इसमें आपके आ जाते हैं लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी के क्लॉजेस, जिसमें जी वो शुरू में ही लिख देते हैं अपनी, जब भी आप वेबसाइट या ऐप डाउनलोड करते हैं और वो शुरू में कह देता है आई एग्री टू दी टर्म्स एंड कंडीशंस एंड द प्राइवेसी पॉलिसी, आप जल्दी से टिक करके आगे नेक्स्ट कर देते हैं, 99% ऑफ द वर्ल्ड आई एम श्योर वो पढ़ती ही नहीं है। वो बगैर पढ़े टर्म्स एंड, मगर वो टर्म्स एंड कंडीशन बेसिकली एक डिस्क्लेमर होता है जो सारी लाइबिलिटी से अपनी जान छुड़ा रहा होता है। इसी तरह आप फॉर एग्जाम्पल ओपन AI की टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लें तो उन्होंने अभी अपनी सारी जान छुड़ाई हुई है कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्टेंट वी प्रोड्यूस। आप कोई लीगल मशवरा ले लें चैट GPT से, वो पहले आपको मशवरा दे देगा, नीचे कह देगा कि दिस इज़ एन AI जनरेटेड कॉन्टेंट एंड आई एम AI मॉडल, आई कैन नॉट गिव यू स्पेसिफिक लीगल एडवाइस, यू शुड डबल चेक दिस इन्फॉर्मेशन विद अ लोकल लाइसेंस लॉयर। वो अपनी जान छुड़ा देता है। आप उससे कोई अपनी हेल्थ केयर के बारे में सवाल कर लें, वो कह देगा आई एम नॉट अ लाइसेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर, और आप जी अपना खुद ही ये करें। तो इस सूरत में जो भी मॉडल्स चल रहे हैं और जो सारे सॉफ्टवेयर भी अपनी और AI मॉडल्स भी अपनी जान छुड़ा रहे हैं, जो छुड़ानी भी चाहिए, हम ब्लॉग्स वगैरह भी तो पढ़ते हैं, हम वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके कल को सबको सू करना शुरू हो जाएं कि मैंने ये यहाँ पढ़ा था, ये यहाँ पढ़ा था, ये तो मेरे साथ गलत हो गया, दिस इज़ रॉन्ग। और आपकी बात इसमें 100% ठीक है। आई थिंक व्हाट्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? हु ओन्स इट? सो आई मीन आई विल होल्ड न्यूयॉर्क टाइम्स रिस्पॉन्सिबल because New York Times owns the content. Yeah. So they will make money off of it, and if I take that content and put it elsewhere, they'll also counter sue me and say, okay, listen, this is our content. Yeah, that's right. So yahan par wo responsibility and ownership will then be directly correlated, where the platform will have to let go of the ownership to really say, okay, to get rid of the liability as well. Right? But in your opinion, who do you think really owns it? Aur isme teen areas aate hain. Pehla wo aata hai जिसको पढ़ के ओपन AI या किसी भी मॉडल ने थॉट बनाई, राइट? के कंटेंट किसे ओपन AI तो चले वो है ना, लैंग्वेज मॉडल तो एक है, हम मिड जर्नी को उठाते हैं, दैट्स राइट, राइट? वहाँ पर क्रिएटिव्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क आता है कि यार ये तो एक्चुअली जो ग्राफिक बनाई गई है या डिज़ाइन बनाया गया है, ये तो XYZ इमेज से निकाल के बनाया गया That's है right. तो वो जो एक्चुअल इमेज है उसकी राइट्स हैं नहीं है, वेरी ट्रू, या वो जो मिड जर्नी है उसके पास राइट्स हैं क्योंकि उसने वो इमेज डिज़ाइन की है, ऐसे ही है, बिल्कुल, या जिसने प्रॉम्प्ट किया उसकी ओनरशिप है, व्हाट डू यू थिंक? देखिए जी, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन लें, पर्सपेक्टिव लें, आई थिंक जिसकी चीज़ कॉपी हुई हुई उसी का हक है। कल को आज मैं आतिफ असलम की आवाज़ में, जैसे AI जनरेटेड म्यूज़िक आ गया है, आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ इट, कि आतिफ की आवाज़ में कोई और गाना गा रहा है, राहत फतेह की आवाज़ में कोई और गा रहा है, ब्रिटनी स्पीयर्स की आवाज़ में मैंने पसूड़ी सुना है रिसेंटली यूट्यूब पे, राइट? तो आई थिंक दैट्स क्वाइट अनएथिकल। उनकी एक आवाज़ है, उनकी एक वैल्यू है अपनी, right. मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव से देखें, आई थिंक दे स्टिल ओन दैट कंटेंट। बेसिक AI उनकी आवाज़ निकाल रहा है एंड उनको रेप्लिकेट कर रहा है, बट वही पायरेसी वाला मसला आ जाता है जी, पायरेटेड, जैसे हमारे पायरेटेड गुड्स हैं, हमारे पायरेटेड ब्रांड्स हैं, लुई विटॉन के फेक बैग्स आ रहे हैं, मैं तो वही कहूँगा जैसे AI आतिफ का जो वर्जन है वो वैसे ही है जैसे LV का एक फेक बैग मार्केट में आया हुआ है। तो आई थिंक एथिकली एंड मॉरली द पर्सन जिसका वो रेप्लिकेट किया जा रहा है ही शुड ओन दैट कॉन्टेंट, नॉट द AI। बट अगर आप रियलिस्टिकली देख लें और प्रैक्टिकली देखें तो AI में GPT हो गया, मिड जर्नी हो गया, डाले हो गया, जो भी हो गया, दे से कि आप जो अपना यूनिक प्रॉम्प्ट देते हैं और जो कंटेंट जनरेट हो रहा है दैट इज़ योर कंटेंट, इट्स यूजर जनरेटेड कंटेंट। वी हैव सम पार्शियल ओनरशिप एज वेल, वी आर गिविंग यू अ कमर्शियल लाइसेंस टू रीसेल इट, रीयूज इट, वट एवर यू वॉन्ट, जैसे मर्जी आप यूज़ करो, बट यू ओन दैट कॉन्टेंट। तो जो चल रहा है उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस देखें, सारा कुछ देखें, तो वो लीगली इस बात पे सेफ हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जी यूज़र खुद अपना प्रॉम्प्ट देता है एंड यूज़र इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग फॉर हाउ ही यूजेज इट, बट वो ये मॉरली और एथिकली देखें, आई थिंक जिसका हक है, जिसने वो डेटा दिया था या जिसकी वो थ्योरी थी या जो भी था, आई थिंक ही शुड स्टिल रिटेन ओनरशिप। कम अज़ कम जब AI जनरेटेड कॉन्टेंट आए नीचे सोर्स दे दें कि मैंने जो ये इंस्पिरेशन लिए इस कॉन्टेंट की, ये फलाने बंदे ने ये बात कही थी, तो कम अज़ कम क्रेडिट्स तो दे उसको एटलीस्ट। बट दैट्स द क्वेश्चन, राइट? हाउ डू यू क्रेडिट
when it's not necessarily just a singular inspiration. So more often than not, it's actually... Yes. Generally, the way that I'm approaching AI these days is I'm trying to see what's really happening in the world without AI. Yeah. AI is just a reflection of everything that we do as human beings. Very true. It's just artificially repurposes that. Yeah. So, iski main is tarah se misal deta hun. Ek bachcha hai jab NCA jata hai na, to uska teacher usko art history padhata hai. True. उसको सादिकैन भी पढ़ाता है राइट उसको लियोनार्डो डी विंची भी पढ़ाता है उसको रेनेसांस टाइम पेंटिंग्स भी सिखाता है राइट वो बच्चा जो है जब वो ये सारा कुछ पढ़ लेता है उसका दिल करता है कि यार मुझे रेनेसांस स्टाइल पेंटिंग अच्छी लगी थी मैं वो पेंटिंग कर लेता हूँ राइट या उसको सादिकैन की पेंटिंग्स अच्छी लगी थी और वो सादिकैन के स्टाइल में पूरी की पूरी लेट्स से 10 पेंटिंग्स की एक सेट निकालता है और एग्जीबिशन करता है डस सादिकैन ओन दोस पेंटिंग्स Or does that painter own those paintings who has been inspired by Sadiqan? When you use the same principle on AI, does the one jiske kaam se work inspired hua hai, do they? So are we saying that now wo thought ownership wali wo aa gayi na, badi equilibrium ya wo dystopian si wo aa gayi ki yaar, you know what, like, थॉट अब सेंट्रली ओन्ड है और उसकी मैं लाइसेंस लूंगा जाके उस थॉट का सो मैं थॉट पढ़ना भी किसी का मसला है किसी के बारे में मुझे जो है ना किसी के गाना सुनने में भी मसला है क्योंकि जब वो मेरे दिमाग में जा रहा है तो मेरी एक्चुअली ना ओनरशिप उसकी है बिल्कुल सो दैट्स इन माय वे इन माय माइंड बिकम्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड वेरी वेरी फास्ट वेरी वेरी डिस्टोपियन के अगेन आपने बहुत अच्छी काउंटर मिसाल इस वजह से दी बिकॉज मैं जब पेंटिंग्स का सोचता हूँ या दूसरा सोचना तो बड़ा आसान है बट आवाज़ इज़ रादर कॉम्प्लिकेटेड राइट आवाज़ में आप कहते हो कि यार मुझे आतिफ असलम की आवाज़ में ये बना दो यस टेक्निकली मैं उसमें सेम प्रिंसिपल अप्लाई कर सकता हूँ मैं कह सकता हूँ कि यार वो इमिटेशन के केस में राइट सो इमरान खान की वो इमिटेशन करता है कॉमेडियन और यूट्यूब पे करता है और उसके पैसे लेता है एडसेंस से क्या इमरान खान को पैसे मिलने चाहिए उसके या आतिफ असलम के गाने कोई भी अगर आके गा रहा है आतिफ असलम गाने नहीं गा रहा चलो आतिफ असलम के गाने में 10 और चीज़ें आ जाती हैं लिरिक्स किसकी हैं कंपोजिशन किसकी है वगैरह वगैरह बट वो आतिफ असलम की आवाज़ में कहते हैं जी आतिफ असलम की आवाज़ में मैं अब जो है ना ब्रिटिश स्पीयर्स का गाना गा रहा हूँ तो आवाज तो उस बंदे ने बड़ी अच्छी इमिटेट कर ली क्या बातें बस हमको उसके वो मिलने चाहिए एग्जैक्टली सो इन दैट एस्पेक्ट लाइक व्हाट डू यू थिंक व्हेन यू रियली ट्राई टू मैप व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इन द पोस्ट एआई वर्ल्ड जो हम जिन चीजों की हम कह रहे हैं कि यू नो व्हाट लाइक मे बी द रेगुलेशन शुड टिल्ट दिस वे और दैट वे व्हेन यू मैप द सेम प्रिंसिपल्स इन रियल लाइफ आर वी ओके विद दोस प्रिंसिपल्स देखिए जी दिस इज़ अ मैटर ऑफ वेरी थॉट प्रोवोकिंग जी वेरी इंटरेस्टिंग मैं खुद सोचने बैठ गया हूँ इसके बारे में फॉर एग्ज़ाम्पल आतिफ को ही ले लें आतिफ असलम को उसी की बात चल रही है कल को आतिफ की आवाज़ में जी अरिजीत के गाने गा हो रहे हैं या किसी और सिंगर गा रहे हैं या कोई अमेरिकन गाना गा हो रहा है सबसे पहले तो आतिफ को ही कंसर्न होगा कि भाई ये जी मैंने तो ये गाना गाया नहीं मैंने तो इसके क्रेडिट्स लिए नहीं और ना मुझे इससे कुछ पैसे मिल रहे हैं और ये YouTube पे फलानी वीडियो फॉर एग्ज़ाम्पल अरिजीत का कोई गाना AI ने गा लिया आतिफ की आवाज़ में 1 million व्यूज़ आ गए जी जिसने वो AI से जनरेट किया उसने सारे पैसे कमा लिए एंड आतिफ से वेयर इज़ माई शेयर भाई आवाज़ तो मेरी है तो सबसे पहले उसको कंसर्न होगा हो सकता है उसको ना भी कंसर्न हो वो कहे अच्छा है मेरी मशहूरी हो रही है मेरी पब्लिसिटी हो रही है वही जैसे कोई इमरान खान की मिमिक्री करता है या शाहरुख खान की मिमिक्री करता है या टॉम क्रूज़ की मिमिक्री करता है तो वो एट टाइम्स दे आर हैप्पी कि हमारी जी फ्री पब्लिसिटी हो रही है दे डोंट हैव अ कंसर्न वो कहते हैं अच्छा है मिमिक्री कर रहा है उस एस्पेक्ट से लेके चलें कि जी आगे फ्री पब्लिसिटी मिल रही है और हमें मिमिक कर रहे हैं तो दैट इज़ फाइन बट पर्सपेक्टिव दूसरा ले लें कि हमारा हक किधर है तो उसके ऊपर जी वहाँ मसला बन जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओनरशिप का वहाँ पे उनका हक मारा जाता है अगर कोई AI मॉडल इतना अच्छा बन गया उनको बिल्कुल प्योरली रेप्लीकेट कर रहा है कल को एक आतिफ को ही दोबारा लूंगा होलोग्राम बन गया आतिफ का और वो किसी कॉन्सर्ट में जाके कॉन्सर्ट परफॉर्म कर रहा है और पैसे भी उसने सारे कमा लिए लिखा हुआ जी AI होलोग्राम ऑफ आतिफ असलम नहीं बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग देखें जिस तक नाम आ गया ना जी सो फॉर एग्जाम्पल कल को लेट्स से एक ऐप आती है और वो बच्चों को कंप्यूटर साइंस सिखा रही है ठीक है
अब वो ऐप पे आती है, वो अगर वो ऐप अपने आप को मार्केट कर रही है कि मुजम्मिल हसन आपको सिखाएगा, ठीक है, वो कर क्या रहा है, वो मेरी शक्ल को और मेरी ऑडियो को इतना कंटेंट अवेलेबल है, उसे ट्रेन करता है और ट्रेन करके वो उसको एम्बेड कर देता है। अगर वो ये कहता है कि मुजम्मिल हसन आपको सिखाएगा ना, तो फिर तो मैं पैसे क्लेम करूंगा क्योंकि वो मेरे नाम पे आ रहा है। बट अगर वो कहता है कि यार कामरान सोलंकी सुनाएगा लेकिन ट्रेन उसने मेरी आवाज और मेरी शक्ल पे किया हुआ है, तब शायद मैं उसको ना कर सकूं क्योंकि मेरी आवाज के सिमिलर बहुत सारे लोग आपको क्रेडिट्स भी दे दिए ना। हाँ, सो उसने क्रेडिट्स, अगर क्रेडिट्स जो दिए ना, दैट मींस कि उसने एक्चुअली क्रेडिट्स नहीं दिए, उसने मेरा नाम यूज करके पिगीबैक किया। एग्जैक्टली, अगर उसने नाम किसी और का इस्तेमाल किया, उसने ट्रेनिंग पब्लिकली अवेलेबल कॉन्टेंट पे किया जो मैंने खुद डाला हुआ है इंटरनेट के ऊपर, और उसको लगा कि यार मुजम्मिल की आवाज अच्छी है और मुजम्मिल की शक्ल अच्छी है तो मैं मुजम्मिल के ऊपर ट्रेन कर लेता हूँ, लेकिन नाम मैं कामरान सोलंकी रखता हूँ, और उस पर एक पब्लिक आती है और आके वो देख रही है, और पब्लिक को यानी कि वो कामरान सोलंकी सुन रही है, वो मुजम्मिल हसन को ही सुन रही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आई प्रॉब्ली वुडंट क्लेम मनी फॉर इट। दैट्स राइट, आई वाज कमिंग टू द सेम पॉइंट। इसी तरह ही है, अगर वो डायरेक्टली आपका नाम इमिटेट कर रहा है तो दैट इज अ वेरी मेजर कंसर्न। राइट, वहाँ तो आई थिंक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। बट सिमिलरली जो आपने सोलंकी वाला एग्जाम्पल दिया उस मॉडल से चलता है, आई थिंक दैट शुड बी एरिया ऑफ कंसर्न। Third up a question, data privacy, then I'll expand the conversation because we're recently seeing new laws coming into Pakistan. We saw similar steps being taken a couple of years ago, that was shot down. Now recently, thoda sa background because most people will not be following this. So these data privacy laws, quote unquote, have recently been passed by India as well, and Pakistan ke andar jo hai wo aa rahe hain. The Asian Internet Coalition and the industry at large has been very aggressively countering that and saying ki ye bahut detrimental laws hain, 10,000 masle ho sakte hain. Acha, mera isme bahut hi mixed opinion hai, I'll be very honest. Pehla opinion mera ye hai ki I do believe laws are important and they need to be there, regulations are important and they need to be there. Jab main Asian Internet Coalition ki aur ye main bada jo meri audience hai aur jo mera network hai wo thoda sa tang hoga iske upar, ये मेरा ओपिनियन है, प्लीज़ मुझे गालियाँ ना दीजिएगा। एशियन इंटरनेट कोअलिशन की जो स्टेटमेंट आई थी, जब आप जाके उसके नीचे देखते हैं ना कि वो उस कोअलिशन में है कौन, दैट्स राइट, इट्स अ लॉबिंग फर्म फॉर वेरी वेरी लार्ज टेक एंटरप्राइजेस, सबको रेगुलेट करती है और रेगुलेटिव उनको रिप्रेजेंट करती है, कोअलिशन है रिप्रेजेंट करती है। और उन्होंने जाहिर आके ये बोला, उन्होंने कहा जी ये कैसी बात है, पाकिस्तान के अंदर आप कह रहे हैं डेटा सारा पाकिस्तान में जाए, पाकिस्तान में क्यों जाए, हम तो छोड़ जाएंगे, हम तो पाकिस्तान छोड़ देंगे, फेसबुक एंड यू नो ट्विटर एंड दिस एंड दैट, हम छोड़ देंगे। अब वो ये कोई मॉरल स्टैंड नहीं ले रहे, वो एक प्योरली कमर्शियल स्टैंड ले रहे हैं, बिकॉज दे डोंट वॉन्ट के पाकिस्तान के अंदर उनको पहली बात पैसे लगा के डेटा सेंटर्स बनाने पड़े, वेरी ट्रू। दूसरी बात ये कि दे डो नॉट वॉन्ट टू कम्प्लाई टू योर लॉज, एग्जैक्टली, जिसको आप एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आप कह सकते हैं कि यू नो दे शुड बी कंप्लायंट टू आवर लॉज, व्हाई आर दे नॉट कंप्लायंट टू आवर लॉज, एंड इन अ लॉट ऑफ वेज व्हेन आई सी अ लॉट ऑफ क्राइम्स हैपनिंग इन पाकिस्तान, पर्टिकुलरली पर्टेनिंग टू साइबर क्राइम, अ लॉट ऑफ टाइम्स आई एम अनएबल टू टेक अ लॉट ऑफ स्टेप्स, मैं इवन FIA के पास रहता हूँ, FIA कहता नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि रेलिवेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती फेसबुक या इस तरह के प्लेटफॉर्म सिंगापुर में बैठे हुए हैं, टेक्स अ व्हाइल, राइट। तो वहाँ तक तो मैं एशियन कोलिशन, इंटरनेट कोलिशन की बात से भी एग्री नहीं करता, जब वो कहते हैं कि जी ये क्या बात है, हम तो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हमारे यहाँ डेटा सेंटर्स क्यों आएंगे, भाई रेगुलेशन बनाओगे आ जाएंगे, कोई ऐसा बिग डील नहीं है। बट इसके काउंटर के ऊपर मैं जो ओवरऑल क्रिटिसिज्म आ रहा है उससे मैं एग्री लार्जली इन प्रिंसिपल करता हूँ। देखिए, लॉज बहुत क्विकली आए हैं, लॉज में जीरो इनपुट ली गई है इंडस्ट्री की, वेरी ट्रू, लिटरली जीरो इनपुट ली गई है, कुछ नहीं बताया गया, एब्सोल्युटली। अनफॉर्चुनेटली पीपल शुड बी वरीड, नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट द इंटरनेट एशियन इंटरनेट कोअलिशन इज सेइंग, बट जनरली बिकॉज व्हाट वी आर सीइंग इज वी आर सीइंग द लीगल प्रोसेस गोइंग, मैं इसको प्यार से अगर मैं बोलूँ तो बहुत रैंडम अप एंड डाउन हुआ है, एक बहुत ग्रे हुआ है पाकिस्तान के अंदर, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और उस ग्रे जस्टिस सिस्टम के अंदर आपके जब ऐसे लॉज आ रहे हैं जो कि वेरी हार्डलाइन तरीके से चीज़ों को रेगुलेट कर रहे हैं और कम्प्लीटली टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ रेलिवेंट मैकेनिज्म्स, तो पोटेंशियली ये बड़ी लाइक आई सेड डिस्टोपियन या ड्रैकोनियन स्पेस में जा सकता है। एंड अगेन, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे उसमें यही है कि जी आपने इंडस्ट्री से इंपोर्ट ही नहीं ली हुई, आपको पता ही नहीं है कि वो एक्चुअली इंप्लीमेंट किस तरह होंगे, आखिर में आप ये लॉज ले आएंगे किसी ब्यूरोक्रेट के हाथ में डाल देंगे, वो आर्बिट्रेरली अपनी मर्जी से उठाएगा, प्लेटफॉर्म इधर बंद करेगा, उधर बंद करेगा, ये करेगा, वो जो करना चाहेगा, लोगों को उसकी इंप्लीकेशन नहीं पता कि जिसकी जो इस वक्त जो आपके डेटा प्राइवेसी लॉज आ रहे हैं वो डेटा प्राइवेसी की आड़ में पोटेंशियली बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सकता है।
सो वॉट आर योर थॉट्स अगेन लाइक आई सेड मैं अभी बहुत ग्रे में हूँ मैं आई एम नॉट टिल्टिंग ऑन वन साइड और द अदर because they're happening too quickly they're happening with very little input yeah. they are the right things to happen they very need true. to happen they will eventually happen one way or the other very true but they need to as with everything in pakistan ke theoretically hum sahi karte hain lekin wo the reason why implementation is not right the reason why implementation sahi nahi ho pati is because it's done in such a poor way very true to wo darmiyan mein main usme phansa what are your thoughts on that देखिए जी मेरे भी अभी इस पर काफ़ी मिक्स थॉट्स हैं और मेरे भी कुछ ऐसे थॉट्स हैं जो शायद जनरल पब्लिक को नहीं पसंद आएँ बट आई हैव माय ओन पर्सपेक्टिव्स और मैं अपना इस पर ओवरव्यू दूंगा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल काफ़ी सालों से पड़ा रहा हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के पास उसका ड्राफ्ट पड़ा रहा कोई एफर्ट्स नहीं हो रही थी कि इसको लेजिस्लेट किया जाए देखें जी लॉ तो आना चाहिए वैसे आपने भी कहा ज़रूरी होता है चीज़ों को रेगुलेट करना बट लॉ भी ऐसा है जो एग्जीक्यूट भी हो सके इम्प्लीमेंट भी हो सके और जो इफेक्टिव हो ऐसा लॉ ना आए कि जो जिस पर अमल दरामद कराना ही मुश्किल हो जाए अभी अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे कानून हैं एग्जिस्ट करते हैं बट उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता क्योंकि हो ही नहीं सकता इट्स इम्पॉसिबल तो लॉ भी लॉ मेकर्स को इस तरह का लॉ बनाना चाहिए दैट इज़ अडेप्टेबल एंड कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू द सोसाइटी वो सोच के उसकी अपनी जो लीगल जुरिस्प्रूडेंस है उसकी तरह वो सारी चीज़ों को कंसिडर करके लॉ एक बनता है ये जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है ये पड़ा रहा 3-4 साल से मैं खुद चाहता था पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन आए एंड आई वाज एडवोकेटिंग फॉर इट मैंने मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को कई खत लिखे उनको नोटिसेस दिए कि आप लोग इसके ऊपर काम करें एंड जी हमारे पास जितना अभी डेटा है पाकिस्तान में सब अनरेगुलेटेड है हमारे पास कवानीन तो मौजूद थे पहले भी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट था 2016 का हमारा जो एक प्राइमरी लेजिस्लेशन है जो साइबर लॉज को हमारे रेगुलेट करता है उसमें काफ़ी सारे ऑफेंसेस कवर होते हैं जिसमें आपका जी आइडेंटिटी थेफ्ट आ जाता है आपका जी अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ डेटा का ऑफेंस आ जाता है आपकी ऑनलाइन डिफेमेशन उसमें आ जाती है वेरी डिबेटेबल ऑफेंस उसमें भी काफ़ी मसले मसाइल हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह सबके साथ वो कॉन्ट्रडिक्ट करता है काफ़ी सारी चीज़ें थी बट कोई स्पेसिफिक लॉ पाकिस्तान में ऐसा नहीं था जो डेटा प्रोटेक्शन को टारगेट करता पीटीआई के भी अपने रूल्स थे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन ऑर्डिनेंस था हमारा 2002 का बट आउटडेटेड हो गए थे 2016 का जो पीका 2016 कहते हैं हम उसको प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स को इतना बुरा नहीं था एफआईए उसमें इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी थी और जी हमारी साइबर क्राइम के अलग अदालतें बन गई थी ट्राइब्यूनल्स टाइप स्पेशल कोर्ट्स बन गई थी वहाँ पे केसेस चलते थे मैंने खुद वहाँ पे केसेस काफ़ी कंटेस्ट किए हैं ऑनलाइन डिफेमेशन का मेरा केस था छोटा सा ब्रीफ बताऊँगा फिर मैं आगे लिंकअप करता हूँ अपने टॉपिक से उसमें हमें मसला आया एक फलाना कोई अक्यूज था उसने जी किसी को डिफेम किया हुआ था ऑनलाइन आई वोंट नेम द पार्टीज़ फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ माय क्लाइंट्स तो वो आपस में डिबेट था कि फेसबुक पे इसने मुझे बदनाम किया एंड ऑल दैट जो कंप्लेनेंट था मैं कंप्लेनेंट साइड का वकील था तो मैंने जी पहले एफआईए में नोटिस किया मैंने कहा जी इस तरह ये ऑफेंसेज हुए हैं फेसबुक पे ये पोस्टिंग हुई है बंदे की रेपुटेशन इस्लामाबाद में बहुत डैमेज हुई है खैर मामला चला गया आगे फिर साइबर क्राइम कोर्ट में चला गया आईओज़ होते हैं जो इन्वेस्टिगेट करते हैं और सारी चीज़ों को तहकीक करते हैं आईओ जो अक्यूज था वो बड़ा समझदार था उसने सारी चीज़ें डिलीट कर दी थी फेसबुक पे जब तक केस पहुंचा वहाँ पे डिजिटल एविडेंस सारा उड़ चुका था हमारी केस फाइल्स में स्क्रीनशॉट्स थे जज को दिखाने के लिए ये कि ये सारा कुछ फेसबुक पे हुआ था इस बंदे को अब्यूज़ इस तरह ऑनलाइन किया गया जब आईओ को बताया गया आईओ जज साहब ने उसको डायरेक्शन दी कि आप फेसबुक को कॉन्टैक्ट करें एंड उनसे कहें हमें ये सारा डेटा रिट्रीव करके देखें मुझे क्या बताया स्क्रीनशॉट्स फेक हो तो जज साहब कहते हैं मैं स्क्रीनशॉट्स को देख के फैसला नहीं कर सकता भाई तो हमने कहा ठीक है आप रब्ता कर लें आईओ ने फेसबुक का एक अपना स्पेसिफिक लिंक है जहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ही सिर्फ रब्ता कर सकती हैं हम एज इन एन इंडिविजुअल कैपेसिटी उसको नहीं कर सकते तो जो एफआईए का आईओ था उसने रब्ता किया 20-25 दिन के बाद जवाब आया 2-3 तारीख पड़ चुकी थी तो फिर जवाब आया फेसबुक का फेसबुक ने जवाब दिया जी हमारा पाकिस्तान के साथ कोई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी साइन नहीं है जिसमें हम आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ कॉपरेट करें और डेटा प्रोवाइड करें तो खैर फिर उसके बाद आईओ ने अपनी स्टेटमेंट दी कि जब ये चीज़ें फेसबुक पे ऑनलाइन थी तो मैं ही बिकेम आई विटनेस उसने कहा मैंने ये देखी थी एग्जिस्ट करती थी और भी विटनेसेस ने उसको आके कन्फर्म किया तो वो स्क्रीनशॉट एडमिसिबल एविडेंस बन गया तो इस तरह जी बेसिकली एक सिस्टम उस पर हो गया नाउ कमिंग बैक टू योर टॉपिक अब जो है हमारी आ जाते हैं डेटा प्रोटेक्शन लॉज के ऊपर दोबारा बेसिकली मैं एक थोड़ा सा एक बेस फाउंडेशन इसके ऊपर बिल्डअप कर रहा था हमारे जो डेटा प्रोटेक्शन लॉज हैं आई ऑलरेडी वर्क ऑन ड्राफ्टिंग प्राइवेसी पॉलिसीज़ फॉर ईयू फर्म्स और उनकी टेक कंपनीज़ के लिए करता हूँ जो जिनको कंप्लायंस करनी होती है GDPR के साथ अगर वो ईयू के अंदर ही बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं उनके सारे यूजर्स ईयू से हैं तो वो उनकी GDPR की कंप्लायंस होती है दैट इज़ द जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन
और जो US के यूज़र्स हैं अभी वहाँ भी ऐसा ऐसा प्राइवेसी लॉज आ रहे हैं, जो मेन उनकी अभी लेजिस्लेशन सबसे पॉपुलर चल रही है US की वो CCPA कैलिफोर्निया की, वो तो जितने कैलिफोर्निया के यूज़र्स हैं उनको CCPA के तहत सारी कंपनीज को डेटा प्रोटेक्शन लॉ की कंप्लायंस करनी होती है। कोई भी वेबसाइट हो सबको एक प्राइवेसी पॉलिसी अमेरिका में EU में हर जगह चाहिए, इवन UAE का भी अब पर्सनल डेटा लॉज आ गए, तो वो अगर उसके साथ कंप्लाई नहीं करते, डेटा को नहीं प्रोटेक्ट करते यूज़र के उसके मुताबिक जी, पर्सनल डेटा को मिसयूज़ करते हैं या शेयर करते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ द यूज़र, या राइट नहीं देते यूज़र को टू डिलीट द डेटा, टू अमेंड द डेटा, या चिल्ड्रन का बिलो द एज ऑफ 13 अमेरिका में अगर वो रखते हैं तो उनके ऊपर बहुत हेफ्टी पेनल्टीज लगती हैं। दैट फाइंस रेंज फ्रॉम लाइक $100,000 टू मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। रिसेंटली फेसबुक को फाइन पड़ा है, आपके शायद दिल में हो, यूरोपियन यूनियन ने GDPR के अंडर ही उसको पड़ा है $1.5 बिलियन का। वही ट्रांसफ़र ऑफ डेटा के ऊपर डिस्प्यूट था फ्रॉम EU टू US, तो फेसबुक ने अपनी जो है प्रॉपर कंप्लायंस नहीं की हुई थी। सिमिलरली पाकिस्तान में भी इसी तरह का कवानीन आ रहे हैं, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल नहीं हो रहा था, मैंने सोचा था मैं एक हाई कोर्ट में जाऊंगा इस्लामाबाद, रिट पिटीशन फाइल करूंगा अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड जज साहब से कहूंगा आप डायरेक्शन दें टू द मिनिस्ट्री ऑफ IT कि इसको जल्दी रेगुलेट करें। बहुत यहाँ पे डेटा ब्रीचेस बहुत हो रहे हैं, हैकिंग बहुत हो रही है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं, ATM स्कैमिंग हो रही है, तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पाकिस्तानियों का पाकिस्तानी सिटीजन का डेटा प्रोटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 14 जो है हमारा आइन का, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो राइट टू प्राइवेसी देता है। लोग इस बात को नहीं समझते, अवेयरनेस बहुत थोड़ी है लोगों को। कल को एक बंदा आपके घर के बाहर आ जाए, वो कहे मुझे आपने डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन दो, मुझे क्रेडिट कार्ड की दो, मुझे अपना नाम दो, घर का एड्रेस दो, आप यू विल बी वेरी स्केप्टिकल कि मैं क्यों दूँ भाई, तुम कौन होते हो। बट ऑनलाइन हम कोई भी जो है सस्पिशियस वेबसाइट भी हो वहाँ पर हम दे देते हैं, इसीलिए हमें नहीं पता होता। तो ये बेसिकली मेरे ख्याल से सबसे बड़ा आपकी राइट टू प्राइवेसी की इन्फ्रिंजमेंट है, इट्स अ ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ द प्राइवेसी लॉ। तो खैर मेरे रिट पिटीशन ड्राफ्ट करते करते ही खबर आ गई चीज़ के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जो है फेडरल कैबिनेट इसको अप्रूव कर गई है और ये फर्दर नेशनल असेंबली में आ जाएगा फॉर लेजिस्लेशन। मैंने ड्राफ्ट को पढ़ा सारा देखा, एंड अनफॉर्चुनेटली मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, लॉ मेकर्स जो है नाराज़ ना हो, बट मुझे लगा कि ये लॉ बगैर सोचे समझे बनाया गया, जैसे आपने भी कहा, नो इंडस्ट्री इनपुट, नो इनपुट फ्रॉम प्रोफेशनल्स। ये अगर आप GDPR स्टडी करें, CCPA स्टडी करें, जितने बाहर के कवानी से, मुझे ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी वर्जन लगा। मुझे लगा है वहाँ की प्रोविजंस उठाई हैं और यहाँ अप्लाई की, जो कि हमेशा मसला यही होता है कि वो यू नीड लोकलाइज्ड थिंक, ग्लोबल एक्ट लोकल वाली बात है ना, कि आप थोड़ा सा उसको कल्चरली कॉन्टेक्चुअलाइज तो करें। वेरी ट्रू, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ हुआ। बिल्कुल, तो वो सारी प्रोविजंस मुझे वही नजर आई जो GDPR में। अब हर मुल्क का कानून अलग है, यू कैन नॉट अप्लाई द अमेरिकन लॉ टू पाकिस्तान एंड यू कैन नॉट अप्लाई द पाकिस्तानी लॉ टू अमेरिका। हर मुल्क के कानून डिफरेंट है भाई, आप थोड़े सोच समझ के बनाए कानून। आप थोड़ा सा इनपुट ले लें, आप आम पब्लिक से ले लें, वकीलों से ले लें, जो भी इस प्रोफेशन में है, आप जितने स्टेक होल्डर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बड़ी कंपनीज हैं, रोजी हो गया, पाकवील्स हो गया, ज़मीन हो गया, जिनके ऊपर फाइन पड़ने हैं, अभी इन सबको पढ़ने पता चलना है ना इस लॉ के अंडर, भाई आप इन सब से इनपुट लो सब लो। और ये जो जितनी आपकी गूगल फेसबुक जो पाकिस्तान में काम करना चाह रहे हैं, पहले फॉरेन बिजनेसेस भाग रहे हैं यहाँ से अब, और डिवैल्यूएशन इज़ अ मेजर कंसर्न, इन्फ्लेशन के मसले चल रहे हैं। इस हालात में आपको बिजनेसेस को वेलकम करना चाहिए पाकिस्तान में। आई वॉन्ट से कि नहीं होना चाहिए पर्सनल डेटा, होना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए, पर इतना स्ट्रिक्ट लॉ बनाने की क्या ज़रूरत थी जी। उसमें आपकी बायोमेट्रिक सर्वेलेंस, आपके ट्रांसफ़र ऑफ डेटा पे फाइंस मेरे ख्याल से आपके ड्राफ्ट में स्टार्ट हो रहे हैं $2.5 लाख से स्टार्ट हो रहा है, और रेंज कर रहे हैं जी मिलियन डॉलर से ऊपर जा रहे हैं जी। अमेरिका में इतना कमाते हैं तो वो देते हैं भाई, एक कंपनी टेक कंपनी, मतलब यहाँ पे स्टार्टअप्स जो हैं वो तो जलील हो जाएंगे ना, वो छोटी छोटी जलील हो जाएंगे आखिर में होगा ये। देखें इससे मुझे जो मसला नजर आ रहा है ना, 10 साल बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के 10 लेयर्स और ऐड हो चुकी है, कि यार वो बच्चा बेचारा कोई स्टार्टअप करना चाहता है वो करेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी खप इतनी होगी कि अगर वो गलती से सक्सेसफुल हो गया तो लेफ्ट राइट हर कोई आ जाएगा, उसको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी छोड़ेंगी नहीं। अब उनको भी, वो भी मजबूर है, उनको भी लॉ के तहत चलना है, उनके पास एक लॉ है, उन्होंने उसको एनफोर्स भी नहीं करना, $2.5 लाख की आपको थ्रेट मारेंगी, $50 लाख लेकिन साइड पे हो जाएंगे, राइट। सो अब आप देखें, एक बेचारा यहाँ से बच्चा, एक ग्रेजुएट होता है, वो एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट से चलता है जी, मैं पाकिस्तान में फलानी चीज का ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च करने लगाऊँ। उस बेचारे को इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि कैसे डेटा प्रोटेक्शन और ये सब चलता है। सबसे पहले तो अवेयरनेस देना पब्लिक को, बताएं तो सही लॉ आ क्या रहा है, ठीक है जी। खैर हमारी भी एज अ सिटीजन इज अ ड्यूटी टू नो द लॉ, के इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज, हमारी भी ड्यूटी बनती है कि वी शुड नो द लॉ एंड वी शुड नो आर राइट्स। बट आपको पता है कि यहाँ लोगों को नहीं पता, यूनिवर्सिटीज़ में पहले अवेयरनेस वगैरह फैलाएं,
इंक्रीमेंटली करें, आई थिंक इंक्रीमेंटली करें, आप इकट्ठा 0 to 100 नहीं जा सकते। शुरू में इतना ज्यादा पेनलाइज ना करें ना। हाँ। अब वो बेचारा ई कॉमर्स स्टोर बनाता है। हाँ। अब 10-15 लाख रुपए बेचारा जमा करके और जी वो लगाता है, यहाँ पे काम शुरू हो जाता है। आपको पता है ब्रेक इवन होने में कितना टाइम लग जाता है, फौरन थोड़ी प्रॉफिट्स आना शुरू हो जाते हैं। वो तो 1-2 साल में जी ब्रेक इवन करता है और ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन जी ये है, उसको पता ही नहीं है कि डेटा ब्रीच हो गया उसकी ऑर्गेनाइजेशन में। कल को $2.5 लाख का उसको फाइन पड़ गया, जो पाकिस्तानी 6-7 करोड़ है। उसने जी 10 लाख रुपए लगाए थे और वो उसके पैसे थे, उसने कमाया कुछ भी नहीं। और कल को जी आईओ उसको पकड़ के ले गया, भाई वारंट जारी हो गए कि चलो भाई, जो कि वो अगेन वो 7 करोड़ रुपया नहीं दे सकता, तो स्टेट के पास मैं कह रहा हूँ फूटी कोड़ी नहीं आएगी। वो आईओ जाएगा कि यार 5 लाख रुपए दे, आई विल मेक इट गो अवे। राइट, सो एग्जैक्टली फ्लड गेट्स ऑफ केसेस खुल जाएंगे, हजारों केसेस खुल जाएंगे, अदालतें भर जाएंगी, नए जजेस उसके लिए अपॉइंट होंगे, अंडर ट्रायल केस चलते रहेंगे। सबसे पहले कहेंगे जी इसको पहले जेल में डालो, बाद में डिसाइड करेंगे वेदर ही इज गिल्टी या नॉट। पहले इसको बंद तो करो, हो सकता है वो उसने ना किया हो डेटा ब्रीच, मेनली एक्यूजेशन पे पकड़ लिया जाए। जो अनफॉर्चुनेटली हमारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन यहाँ पर होती है, तो बिला वजह उसको पकड़ लिया जाए और फेंक दिया जाए जेल के अंदर। और जी ट्रायल चल रहा है, ट्रायल कंप्लीट हो रहा है जी 5 साल बाद, वो बेचारा और कहा जी 5 साल बाद ही वॉज नॉट गिल्टी जी, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। उसकी तो 5 साल बर्बाद हो गए ना। हाँ। और उसका बिजनेस भी तैयार हो गया। वो क्या करेगा जी, जैसे ही जेल से बाहर आएगा कहेगा आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर, आइदर आई शुड लीव दिस कंट्री और दिस प्लेनेट। ऑफ कोर्स, तो ये बहुत एक आई सेकंड योर ओपिनियन ऑन दिस। हाँ, मुझे बताएं व्हाट्स योर फुल टाइम वर्क जनरली? देखें फुल टाइम वर्क, आई एम अ प्रैक्टिसिंग लॉयर बेस्ड इन इस्लामाबाद, और जी वही काम करते हैं हम जो बाकी वकील करते हैं। मेरा ज़्यादा फोकस है टूवर्ड्स कॉर्पोरेट लॉ, सिविल मैटर्स, मैं क्रिमिनल केसेस को थोड़ा दूर ही रहता हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस, तो आई स्टार्टेड विद कॉर्पोरेट लॉ, और डिग्नम एंड कंपनी यहाँ पे है, उनके साथ मैंने काम स्टार्ट किया। आई वॉज सिलेक्टेड बाई यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन कंपनी लॉ में, थोड़ा अच्छा स्कोर आ गया था, इवन दो आई वॉज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट, पर उस सब्जेक्ट में थोड़ा शौक था, अच्छा लगता था कॉर्पोरेट लॉ। सूट से बड़ा इंस्पायर्ड था मैं, हार्वी स्पेक्टर बनना चाहते हैं सारे वकील, तो आई वॉज वन ऑफ देम। तो वहाँ से स्टार्ट किया, कॉर्पोरेट वर्क थोड़ा बोरिंग लगा, तो मैंने कहा लेट्स डू दी जनरल प्रैक्टिस एज वेल। जी वो वकील ही किया जो अदालत नहीं गया, तो मैंने कहा लेट्स गो टू द कोर्ट। अहमद रज़ा कसूरी साहब को मैंने ज्वाइन कर लिया, ही वॉज माई सीनियर एंड मेंटोर, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो आए उस शुरू में तो आपने एज ए लॉयर सारे केसेस ही करने होते हैं, जैसे डॉक्टर शुरू में करता है, हम सबकी नीशेज और फील्ड्स होती हैं, तो उसी तरह वकील की भी होती हैं। सिविल केसेस भी लड़े जी, क्रिमिनल भी लड़े, विरासत के केस भी किए, तलाके भी उनके केस भी कंटेस्ट किए। तो खैर करते करते टेक लॉ फैसिनेट करना शुरू हो गया, शौक भी था इस फील्ड में। बचपन में वीडियो गेम्स बहुत खेले थे, तो पता नहीं क्यों शौक आ गया, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड मेरा क्यों इस तरफ इंक्लाइनेशन है अभी भी। तो मैं टेक लॉ की तरफ जाना शुरू हो गया। फिर जी पाकिस्तान में डीवैल्यूएशन स्टार्ट हो गई, ड्यू टू पर्सनल फैमिली कमिटमेंट्स एंड बिजनेस कमिटमेंट्स आई कुड नॉट मूव अब्रॉड। मैं पहले रहा हूँ तकरीबन 7-8 साल दुबई में, फैमिली उधर थी, देन वी मूव बैक टू पाकिस्तान। तो मेरा मैंने पहले BBA किया था फ्रॉम एडिनबरा बिजनेस स्कूल, हैरियट वार्ड जो दुबई में उनका कैंपस है, तो शौक लॉ का ही था। तो फिर वापस आके फिर सेकंड डिग्री मेरी लॉ थी, आई सेड रादर देन डूइंग एन MBA इट्स माय पैशन टू परसू द लॉ फील्ड, तो वकालत ही करते हैं। तो MBA में एडमिशन लेने गया था NUST में, तो डॉन का एक्सपो लगा हुआ था, एजुकेशन एक्सपो, वहाँ चला गया, यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन वाले आए हुए थे, वहाँ उनकी प्रिंसिपल से गपशप लगी, तो कहती बेटा क्या करते हो, मैंने कहा MBA करने लगा हूँ, लॉ का शौक था ये वो, तो शी सेड कि हम तो आपको ग्रेजुएट एंट्री प्रोग्राम दे देते हैं, वील गिव यू एन एग्जेम्पशन, आप 2 साल में जितनी देर में MBA कर रहे हैं उतनी देर में LLB कर लें। तो फिर आई वॉज फॉर्चुनेट, सडनली दोबारा इस प्रोफेशन में आ गया वापस, और वकालत स्टार्ट की एंड काम शाम किया। तो टेक लॉ काफ़ी फैसिनेट करता था, डीवैल्यूएशन हुई, इन्फ्लेशन हुई, मैंने कहा कुछ ऐसा काम किया जाए जो बाहर का भी पैसा कमाएं, भाई हम लोकल तो कमा ही रहे हैं, अगर हमें कोई 5 लाख भी फीस दे रहा है तो वो साल बाद 20-30% डीवैल्यू हो जाती है, फ़ायदा नहीं है। तो फिर मैंने वहाँ के मॉडल स्टडी किए, मैंने देखा इंडिया वॉज अ वेरी बिग मार्केट फॉर लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, दीज आर कॉल्ड LPOs, जैसे हमारे BPOs होते हैं, कॉल सेंटर का मॉडल सब लोग समझते हैं, उसी तरह लॉ फर्म्स के भी हैं, और पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट अभी इतना पॉपुलर नहीं है, कुछ लोग कर रहे हैं चंद लोग। तो मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, आई स्टार्टेड अप्रोचिंग US लॉ फर्म्स और आई टोल्ड देम के वील डू योर ईजी वर्क। तो बेसिकली जो एक पैरालीगल काम करता है वहाँ पर, या पाकिस्तान में जिसको मुंशी कहते हैं आसान लफ्ज़ों में, तो वील डू दैट वर्क, हम आपको ड्राफ्टिंग में भी असिस्ट करेंगे, केस लॉ में भी सर्च करेंगे। तो आई मेड अ कंपनी इन द US बाय नेम ऑफ आदम लीगल टेक, एंड आई स्टार्टेड कॉन्टेक्टिंग दोज फर्म्स, और जी ऐसा ऐसा हमें काम मिलना शुरू हो गया, एंड पैसे भी डॉलर्स में आना शुरू हो गया, बड़ा अच्छा लगना शुरू हो गया। वेरी कूल, तो दैट स्टार्टेड ग्रोइंग फ्रॉम 2015, तो अभी तक चल रहा है। फिर स्टार्टअप्स को पकड़ लिया वहाँ, आई हैव एडवाइज मोर देन 1600 स्टार्टअप्स इन द US एंड इन द EU,
उनकी प्राइवेसी कंप्लायंस में मेनली कराता हूं. राइट, दिस इज हाउ इट्स गोइंग. यूएस कंपनी डेलावेयर या डिड यू गो थ्रू अनदर? डेलावेयर. आई वुड रिकमेंड डेलावेयर फॉर एन एलएलसी. राइट, मेक सेंस. पहले हम बात कर रहे थे, यू नो, वी नाउ दैट वी आर लुकिंग एट द वर्ल्ड, थोड़ी सी अगर मैं एक पिक्चर पेंट करूं, 2001 में आया था एक .com बबल, बड़ा मशहूर. जिन लोगों को नहीं पता उसका, उसकी हिस्ट्री ये थी कि 90s के अंदर इंटरनेट पॉपुलराइज होना शुरू हो गया हुआ था, एंड एज विद एनी एंड एवरीथिंग जो नई आती है, फ्रेश होती है, तो उसमें उसको पंप करना शुरू किया बहुत ज़्यादा वॉल स्ट्रीट ने, और यू नो एनीथिंग दैट यूज्ड टू बी .com वुड गेट अ लॉट ऑफ फंडिंग, वुड गेट अ लॉट ऑफ उस तरह से ग्रोथ. और ये पीक किया 2001 में, जब जाके लोगों को रियलाइजेशन हुई कि यार इसमें बहुत मंजन भेज दिया हुआ है, और एक्चुअली इस तरह दैट इज सॉर्ट ऑफ कोलैप्स्ड. एंड देन 2001 से लेकर मैं कहूँगा प्रॉब्ली 2021-2022 तक, इंटरनेट एज वी नो इट उसने रियल पेस पकड़ी. दैट्स राइट. और वो जो 20 साल का साइकिल था, उस साइकिल में इंटरनेट एज वी नो इट हैज पीक्ड, इन द सेंस दैट आपने इनिशियली कहा ना कि जनरली टेक कंपनीज को इजी रखा गया है, राइट, वो अब फाइनली वो वाला टाइम आ गया जब वो ऐसी रियलिटी हो गई है कि एक पूरी जनरेशन है जो कि इंटरनेट एज अ न्यू नॉवेल्टी नहीं देखती, वो दे वर बॉर्न इनटू द इंटरनेट. वेरी ट्रू. राइट. एंड सो देयरफॉर नाउ कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिगिनिंग टू रेगुलेट these very very powerful enterprises. Top 5 companies in the world mein aap jayenge, wo survive mera khayal Louis Vuitton wali company ke hata ke aapko sara tech companies, sab tech companies hain. Aur ye hum dekh rahe hain left right and center, you know, GDPR aaya, Canada ke bade sort of progressive kisam ke wo aaye, Australia ke phir similar is tarah ke aa rahe the, stuff that you wouldn't expect coming out of the west, where they were talking about regulating the news media online wagaira wagaira. Right. और सिमिलरली अभी जो रिसेंटली इंडिया में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, एंड जस्ट नॉट जस्ट द रेगुलेशन, ओवरऑल जो दुनिया जिस तरफ जा रही है ना, तो व्हाट वी आर सीइंग नाउ इज ए डिप इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ, यू नो, वो सारा कुछ. नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट्स हैं, पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है, एंड सो द इंटरनेट, द वेब 2.0 इंटरनेट दैट वी न्यू सीम्स टू हैव रन इट्स कोर्स. And now the governments are beginning to regulate them. But for a lot of us who understand the internet in a very different way, in my opinion, that internet is going to change over the next decade. That's right. Once, you know, governments start playing around with these platforms. Yeah. और वहाँ पर मुझे अच्छा, जहाँ पर ये हो रहा था ना, वहाँ पर पिछले 5 साल से एक ऑल्टरनेट न्यू वर्ल्ड इमर्ज हो रहा था इन द नेम ऑफ वेब 3.0. That's right. जिसको ज़्यादा पॉपुलराइज किया क्रिप्टो करेंसीज ने, और उन सारों ने ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसीज एंड वो सारा सारे NFTs एंड और वो पम्प एंड डंप हुआ जो इंटरनेट का पम्प एंड डंप हुआ था. एंड देन लास्ट ईयर आई वुड से कि वो जब फाइनली क्रैश हुआ, तो क्रैश होने के बाद पीपल जस्ट गॉट आउट एंड दे लाइक, तो आई मीन था ड्रामा, एंड दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग इंटरेस्टेड, बिकॉज आई वाज लाइक, अच्छा अब वैल्यू पे काम होगा, अब एक्चुअली ड्रामे पे नहीं काम होगा. एग्जैक्टली. अच्छा, वहाँ जहाँ पे वो वैल्यू की बात हो रही थी, वहीं पे अल्टरनेटिवली मैंने देखा कि दुनिया में क्या हो रहा है. True. तो जहाँ पे करेंसीज की बात हो रही है, डिसेंट्रलाइज्ड करेंसीज की बात हो रही है, वहाँ पे मुझे नजर आया कि यार डॉलर को वेपनाइज किया जा रहा है, और एक ग्रोइंग मूवमेंट है जो कह रही है कि यू नो व्हाट, लाइक द सेंट्रल बैंक करेंसीज एंड द डॉलर एंड ऑल ऑफ दैट, वी नीड टू बी अवे फ्रॉम दैट. वेरी ट्रू. सिमिलरली मैं उसको देख रहा हूँ कि विद इन द एम्बिट ऑफ इंटरनेट, जब आप कहते हैं कि यार अच्छा फेसबुक जो है वो आर्बिट्रेरली चीज़ों को रिमूव करेगा, जब आप देखते हैं कि पुराना ट्विटर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को रिमूव कर देता है, आप उससे एग्री करें डिसएग्री करें, मेरा उससे तरह कहा नहीं. राइट, बिल्कुल. मुझे से ये है कि यार आप, यू कैन नॉट टेक द राइट ऑफ स्पीच, स्टैंडर्ड स्पीच, आप आर्बिट्रेरली स्पीच को हेट स्पीच नहीं बना सकते, डेंजरस स्पीच नहीं बना सकते. एंड सिमिलर थिंग्स वर हैपनिंग ऑन यूट्यूब, एंड पर्टिकुलरली जो कोविड डिसइंफॉर्मेशन वाला ड्रामा हुआ था, पर उसके पोस्ट के अंदर जब वो काउंटर आया कि अच्छा यार बाय द वे वो डिसइंफॉर्मेशन काफी नॉर्मल इंफॉर्मेशन थी, थोड़ी सी डिफरेंट. तो दैट्स व्हेन अ लॉट ऑफ पीपल रियली ओपन देयर आईज एंड दे वर लाइक, यू नो व्हाट द हेल, लाइक व्हाई आर दीज प्लेटफॉर्म्स डूइंग व्हाट दे आर डूइंग. एंड सो सडनली नाउ टुडे I see a rise of decentralized platforms growing
जो वेब 3.0 का कॉन्सेप्ट है कि यू नो यू ओन योर डेटा, यू द प्लेटफॉर्म, देयर इज नो सेंट्रल प्लेटफॉर्म दैट टेक्स एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स एक्चुअली डिवाइडेड अमंगस्ट द यूजर्स, इट्स एन ओपन एरिया, इट्स एन ओपन एरिया. एंड सो वहां पर आई जस्ट फील लाइक के First of all, have you studied a lot of what's happening on this front? I believe there is a platform called Mastodon or what it's called, which is decentralized social media bhi aa chuka hua hai, decentralized video platforms bhi aa rahe hain. Second of all, what do you think now with the emergence of this, jo idealist hai, jo keh raha hai ki yaar, you know what, like, nahi, the internet was the space for freedom where I didn't have to worry about my state laws and exactly. this and that. Too. They're being infringed, so I need to maybe go on a platform where I can feel free again. Mm-hmm. And thirdly, in such a case where there is no single entity anymore, mm-hmm. right? So the data is distributed, like the technology is such that the data is, there is no data center, it is distributed all over the world. Okay. The liability is distributed all over the world. Very there true. Is no single Very point jo ke usko le raha hai. So then what happens, right? Because today there is a Facebook that can say ke yaar, you know, tumhara data kidhar pada hua tha, tumhara ye tha, tumhara wo tha. But then there is a platform built on blockchain that is everything, the processing, the data and everything is divided all over the world that amongst open users. To all. It is open to all, it is divided by all, right? How do then governments begin to regulate that? Dekhen ji, web 3.0 aur ye, I have heard about them, but I haven't studied those models, right? मैं भी आई एम सब लोग ही सीख रहे हैं, मैं भी इसके ऊपर सीख ही रहा हूँ. राइट. पर जहाँ तक ब्लॉकचेन की बात करें कि एक सर्टेन आप कह लें फाइनेंशियल सिस्टम का, कुछ लोग कहते हैं कि ये माफिया है, दे बैंकिंग का जो पुराना ट्रेडिशनल कन्वेंशनल वे है वो नहीं चाहते जी कि ब्लॉकचेन सिस्टम जो है वो नॉर्मलाइज हो जाए इन द वर्ल्ड, क्योंकि लोग ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम से हट के फिर ब्लॉकचेन को यूज़ करेंगे. ब्लॉकचेन इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड थिंग, आप उस पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना लें, आपको चीज़ें उसमें बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट हो जाती हैं, चीज़ें जो हैं ट्रांजैक्शंस भी उसमें बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट होती हैं. फॉर एग्जांपल आप किसी को ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो जो है बड़े अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट हो जाती है, जबकि कन्वेंशनल वर्ल्ड को आप देखें पुराने को तो चीज़ें अभी जो हैं प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड नहीं है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती हैं, कुछ होता है आप देख लें जी मनी ट्रेल्स नहीं होती, कुछ नहीं होता. खैर, आप ब्लॉकचेन में एक ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है जिसमें हर चीज़ रेगुलेट हो जाए, डॉक्यूमेंट हो जाए, मॉनिटर हो जाए, मनी ट्रेल्स भी नज़र आ रही हैं, पहले चीज़ उसके पास थी, अब इसके पास है, अब इसके पास है, क्रिप्टो को ले लें, तो दैट इज़ अ नाइस थिंग, एक अच्छी चीज़ हो रही है. बट जहाँ कमिंग टू योर पॉइंट, योर क्वेश्चन के जी एक ओपन एरिया है सबका जी ब्लॉकचेन में, पूरी दुनिया में ये चीज़ सबको, इट वुड बी ओपन टू ऑल, एंड व्हाट वुड द कंट्रीज डू, व्हाट द स्टेट्स उस टाइम में क्या करेंगी, आई थिंक माई पर्सनल ओपिनियन इज़ कि वे स्टेट्स अपनी कोई रेगुलेशंस बनाएंगी इसको रेगुलेट करने के लिए, दिल कम अप विथ न्यू लॉज. उनको भी थोड़ा सा जी आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, लॉ मेकर्स को भी, कि अब जी द वर्ल्ड इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू स्पेसिफिक कंट्रीज़ बट इट्स एन ओपन वर्ल्ड नाउ एंड इट्स अ ग्लोबल मार्केट प्लेस, सारे मुल्क अब जी कनेक्टेड हैं, सारी ट्रांजेक्शन कनेक्टेड हैं, सब कुछ है. ट्रेडिशनल बैंक्स को सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी, वही इसके ऊपर सबसे ज़्यादा शोर करेंगे कन्वेंशनल बैंक्स को. तो जब चीज़ टेक्नोलॉजी इवॉल्व करेगी रेगुलेशंस तो आनी पड़ेंगी. स्टेट्स को दे हैव टू इनोवेट, दे हैव टू ब्रेनस्टॉर्म कि ये चीज़ आ गई है एंड हाउ डू वी नीड टू रेगुलेट इट. नहीं वो लेकिन वही है ना कि देखें, आई एग्री प्रिंसिपली के रेगुलेशन की जरूरत है, जस्ट दैट देयर इज नो एंटिटी दैट यू रेगुलेट, राइट? सो दैट्स राइट. व्हेन द इन द एब्सेंस ऑफ सच एन एंटिटी, आज आप कह रहे हैं कि रेगुलेशन हो जाए डेटा प्राइवेसी की फॉर एग्जाम्पल, तो यू आर इफेक्टिवली सेइंग कि देयर इज लेट्स से फेसबुक एज अ कॉर्पोरेट एंटिटी दैट नीड्स टू एडहेयर टू दोज रेगुलेशंस. या दैट्स राइट. मुझे पर्सनली लगता है ये वो वाली है ना कि द गवर्नमेंट्स इज कैचिंग अप बट नाउ द टेक्नोलॉजी इज टेकिंग दैट वन स्टेप फर्दर, वेयर दे आर सेइंग ओके सो यू गाइस हैड अ प्रॉब्लम विद दिस सेंट्रलाइजेशन वेयर वी वर लायबल, यस, नाउ वी आर गोइंग टू टेक दैट लायबिलिटी एंड थ्रो इट आउट टू ऑल द यूजर्स ऑन द प्लेटफॉर्म. नो वन इज रिस्पॉन्सिबल इन दैट, नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल इन दैट, राइट? इनहेरेंटली. एंड सो वही वाली बात है कि बिकॉज फ्रीडम इनहेरेंटली, क्योंकि मुझे पर्सनली ये लगता है, थोड़ा फलसफा है, मुझे पर्सनली ये लगता है कि दुनिया आज जिस तरह से रिग्रेसिव हो रही है आजकल, दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल. ह्यूमैनिटी हैज़ ग्रोन बियॉन्ड दैट पॉइंट वेयर यू कैंट नो लॉन्गर कैन कंट्रोल द मीडिया, डू दिस डू दैट एंड देन एक्सपेक्ट पीपल टू बिहेव इन अ सर्टेन वे. इन इट्स इवेंचुअलिटी यू नीड टू गिव पीपल अ सर्टेन सेट ऑफ फ्रीडम्स, द मॉडर्न वर्ल्ड डिमांड्स इट. एंड सो इवन दो द गवर्नमेंट्स आर डेस्परेटली ट्राइंग टू प्ले कैच अप, आई थिंक टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू
you know, one way or the other began to solve whatever loophole that the government found to come in and regulate it. That's right. And so we're now about to open a new Pandora's box, I feel like. जहाँ पर हम अपने ओल्ड गार्ड को तो रेगुलेट कर देंगे तो मैसेज जनरली जो है ना मैसेज आर गोना टेक अ व्हाइल दे जनरली टेक अ व्हाइल लाइक इट्स अगर आपको याद हो यूर द सेम एज एज आई एम सो 2000 अर्ली 2000 ऑर्कुट एंड देन एमएसएन मैसेंजर एंड यू नो माई स्पेस एंड फेसबुक एंड ऑल ऑर्कुट भी था बड़ी थोड़ी सी दुनिया थी हम थोड़े से लोग होते थे आप पाकिस्तान में किसी को जाके बोलते थे कि यार इंटरनेट ऑर्कुट ये वो तो वो कहते थे भाई क्या आप पागलों वाली बातें पागलों वाली बातें कर रहे हैं एंड सो नाउ आई फील लाइक द सेम इज गोना हैपन बट वो जो एक जो जो एजुकेटेड आपकी एक सॉर्ट ऑफ अपर मिडिल एंड अबव नीश है वो उस तरफ निकल जाएगी एग्जैक्टली मैसेज को हाँ वो आप फॉर नाउ उस स्पेस में रखेंगे जो कि रेगुलेट हो जाएगी जो कि थोड़ी सी अनोइंग हो जाएगी वो जिस तरह पैमरा मीडिया में रेगुलेटेड था अगर बस सोशल मीडिया था आप सोशल मीडिया रेगुलेट हो जाएगा तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड मीडिया आ जाएगा बट दैट्स माय थॉट एनीवेज आई वुड लव फॉर यू टू सॉर्ट ऑफ डू सम रिसर्च ऑन इट बिकॉज यू बी एन इंटरेस्टिंग इनसाइट ऑफ अ लॉयर इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी ग्रे एरिया राइट नाउ आई थिंक लोग भी इसके ऊपर सोच ही रहे हैं और सब लोग इस पे इवॉल्व कर रहे हैं ब्रेनस्टॉर्म करेंगे क्या होना चाहिए मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि एवरीथिंग कैन नॉट बी रेगुलेटेड आप एमएसएन चैट की बात कर लें तो क्या हम चैट्स आपस में कर रहे हैं वो गवर्नमेंट उसको रेगुलेट कर रही है वहाँ पे हमारा फ्रीडम है हम जो मर्जी किसी के साथ बात करें हाँ अनलेस अगर हमारे हम कोई गलत बात करें या कोई जो है कोई लीगैलिटी हो या कोई क्रिमिनल उस पर ऑफेंस लगता हो या किसी को गाली करें हेट स्पीच करें अब्यूज़ करें वो अगर जी कोई चैलेंज करे तो फिर देन इट्स रेगुलेटेड वैसे तो जनरली हमारी कोई भी कन्वर्सेशन रेगुलेट नहीं होती राइट सिमिलरली आप एक फाइनेंशियल मॉडल में आपको बता देता हूँ हर चीज़ जैसे रेगुलेट नहीं होती आई विल कम टू दैट कि जितने फ्रीलांसर्स पाकिस्तान में काम करते हैं बाहर भी करते हैं बाहर जो काम करते हैं अमूमन मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से उनको पेमेंट्स मिलती हैं पेपैल के ज़रिए ठीक है जी पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पेपैल नहीं आया अभी तक जो भी कंसर्न्स हैं क्योंकि लॉन्ग डिबेट क्यों नहीं आया यहाँ पे पायोनियर चलता है जो काम करता है जो फेमिलियर इन चीज़ों के साथ वो पायोनियर के साथ पेमेंट पकड़ता है बहुत सालों से ये सिस्टम चल रहा है आई थिंक पायोनियर को भी 8-9 साल हो गए होंगे लोग अपने जो यूएस डॉलर्स हैं उसी पे मंगाते हैं इवन फाइवर अपवर्क सब उसी में पैसे डाल देते हैं लोग विड्रॉ कर लेते हैं पाकिस्तान के बैंक अकाउंट के साथ वो लिंकअप हो जाता है यू विड्रॉ इट एंड यू गेट द मनी अब आज से 2 साल पहले जब खान साहब की हुकूमत थी तो स्टेट बैंक और एफआईए ने शोर किया था कि जो फ्री लांसर्स हैं उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है दिस वॉज नॉट रेगुलेटेड बैंक अकाउंट अगर फ्री लांसर खुलवाने जाता है उसको बहुत तकलीफ होती है उसकी सोर्स ऑफ इनकम को बैंक जो है कंसिडर नहीं करता था जो वो फाइव जबकि अच्छे खासे पैसे कमाते हैं लोग पीपल अर्न इन डॉलर्स एंड अ लॉट ऑफ मनी तो वो नहीं कंसिडर ही नहीं होता था FBR में जब वो अपनी टैक्स फाइलिंग करता था बहुत सारी डिबेट्स होती थी कि ये फॉरन रेमिटेंस की उसमें आएगा या क्या आएगा क्योंकि पायोनियर क्या करता है वैन यू प्रेस द विदड्रॉ बटन ओवर देयर एंड यू गेट द मनी इन पाकिस्तान तो वो जब आप अपनी बैंक स्टेटमेंट में देखेंगे तो वो एक लोकल रेमिटेंस शो हो रही होती है अच्छा। वो आपको होता है ATM से पैसे ट्रांसफर नहीं जैसे हुए होते really? तो उसके ऊपर वो शो होता था कि पाकिस्तान में ही किसी ने पैसे डिपॉजिट कराए आई डोंट नो हाउ देयर मैकेनिज्म वर्क्स बट ऐसे ही होता था अच्छा, that's really weird. तो वो जो है सारे फ्रीलांसर्स क्लेम करते थे हमें तो पैसा बाहर से आया हाँ। फाइवर इटसेल्फ इज एन इजरायली कंपनी राइट वो एक और मसला हो गया कि अच्छा भाई आप तो इसराइल के साथ कर रहे हो वो नया मुसीबत थी उन्होंने कहा नहीं इस तरह पैसे आते हैं FBR को समझाया सबको समझाया तो फिर एक बड़ा एग्रेसिव उस वक्त एक मूवमेंट चली थी यू मस्ट बी फेमिलियर कि जितने फ्रीलांसर्स हैं उनको रेगुलेट करो जी इनके ऊपर टैक्स लगाओ 30% टैक्स लगाओ हाँ। ये तो इतने बिलियन डॉलर्स इनके अकाउंटों में आ रहा है तो ये कैसे रेगुलेट होगा खैर सारी डिबेट चली सब भूल भाल गए अभी तक कोई रेगुलेशन नहीं पायोनियर इसी तरह चलते जा रहे हैं और करोड़ों डॉलर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं इसके जरिए तो कमिंग टू दैट पॉइंट कि हर चीज़ रेगुलेट नहीं हो सकती सिमिलरली ब्लॉकचेन के ऊपर आ जाते हैं क्रिप्टो के ऊपर आ जाएं पाकिस्तान में क्रिप्टो अभी तक उसके ऊपर कोई लेजिस्लेशन नहीं आया हमारी कोई ऐसा कानून नहीं आया जो उसको रेगुलेट करे या उसको जो है आगे उसको मॉनिटर करे या कुछ भी करे अभी जो है स्टेट बैंक कहता है कि वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दिस एंड वेदर इट्स लीगल और इलीगल इट्स अ वेरी ग्रे एरिया FIA का दिल करता है तो किसी की क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन को इलीगल करके बैंक अकाउंट फ्रीज भी कर देता है और दिल करता है तो वो ये कि हाथी पूरा गुजर जाए पकड़ने को तो दुम से पकड़ा जाए नहीं तो पूरा गुजर जाए right. तो वो भी आपका नहीं हो रहा सिमिलरली ब्लॉकचेन में भी इसी तरह है ओपन वर्ल्ड है क्रिप्टो के भी ओपन वर्ल्ड है लोग काम कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में अगर रुकावट है
अभी भी लोग क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, स्टेट नहीं रोक सकी, स्टेट किसी को भी नहीं रोक सकी कि भाई अगर आपने भी इथेरियम लेना, दे आर वेज टू गेट इट, एंड दे आर लीगल वेज टू गेट इट, ये नहीं लीगल, वेरी वेरी इजी वेज टू गेट इट आल्सो, एंड इट्स अ लीगल वे, इट्स नॉट एन इलीगल वे, आपकी उसमें मनी ट्रेल भी आप इस्टेब्लिश कर लें, जो बेसिकली देयर इज अ स्मार्ट वे टू डू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं स्टेट्स कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। दो साल हो गए पायोनियर को नहीं रेगुलेट कर सके, बल्कि इनको चाहिए था कि पायोनियर के ऊपर शोर करने से अच्छा काम करते कि पेपैल को लेकर आते पाकिस्तान में, और सिमिलरली ब्लॉकचेन पे दुनिया काम कर रही, भाई आप भी करो, आप एक खुली छूट दे दो, बोलो भाई सब खुला काम करें, अच्छा है मुल्क में डॉलर है यार, किसी भी तरीके से है, जैसे मर्जी है, मैं कहता हूँ पैसा आना चाहिए मुल्क में एट द टाइम बिंग जो हमारी सिचुएशन चल रही है। तो स्टेट्स कैन नॉट रेगुलेट एवरीथिंग, ये ब्लॉकचेन की जो ओपन वर्ल्ड है, आई थिंक इट विल टेक टाइम, उनको भी स्टडी करेंगे, स्टेट्स करेंगे, लॉ मेकर्स करेंगे, लॉ मेकर्स सारे बूढ़े हो गए, उनको तो ये चीज़ें समझ ही नहीं आती टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप ब्लॉकचेन, वेब 3.0 ये बातें बताएं, अनफॉर्चुनेट साइबर क्राइम के विंग में चले जाएं FIA के, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ऐसे बाबे बैठे हुए, मैं बाबों को ब्लेम नहीं कर रहा, माशाल्लाह वो भी लर्नड इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनका भी बड़ा सोसाइटी में रोल है, बट फ्रेश इनपुट चाहिए ना, फ्रेश इनपुट चाहिए, यंग लॉट लेकर आए FIA के साइबर क्राइम विंग में, यंग लॉट बिठाएं, वो बिठाएं जिनको टेक का काम आता है, जो NFT को समझता है, जो क्रिप्टो को समझता है, जो वेब 3.0 को समझता है, जो डार्क वेब को समझता है, डार्क वेब का बड़ा मसला है पाकिस्तान में, ना IO समझता है, ना जजेस समझते हैं, ना वकील समझते हैं, वकील भी हार्डली पाकिस्तान में 5 या 6 टेक लॉयर्स हैं, अच्छा है ही नहीं पाकिस्तान में टेक लॉ, ना किसी का फोकस है, लोगों को समझ ही नहीं आती इस फील्ड की, दे डोंट गेट इनटू इट। तो भाई हर चीज़ को समझें, हर चीज़ के ऊपर लॉ मत बनाएं, बाकी स्टेट्स को भी यही कहा जाता है, थोड़ा सा भी फ्लेक्सिबल हो जाएं, ओपन वर्ल्ड को ओपन तरीके से जीने दें, जैसे आपकी बात थी, देयर इज अ डिमांड फॉर फ्रीडम राइट नाउ, देयर इज अ डिमांड फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच, देयर इज अ डिमांड फॉर अ फ्रीडम इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू कैन नॉट रेगुलेट एवरीथिंग, दिस इज नॉट अ जेल, वी ऑल्सो लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारा हक है हम जो मर्जी बोलें, और भी बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, इवन जो जहाँ डिक्टेटरशिप चलती है वहाँ भी अभी लॉज में फ्लेक्सिबिलिटी है, जहाँ पे जी बादशाहत है वहाँ भी अच्छे कवानीन है, हर जगह किया जा सकता है, अवाम को आसानी दें, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाएं, पाकिस्तान की रैंकिंग कम है, फोकस करें कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को ऊपर लाएं, जितने टेक लॉज हैं हमारे, साइबर लॉज, ऐसे कवानीन बनाएं दैट आर बैलेंस्ड, नॉट वेरी हार्ड एंड नॉट वेरी सॉफ्ट, बैलेंस होने चाहिए, थोड़ी बहुत रेगुलेटरी, जैसे AIC के आपने जो उनकी कोलिशन, उन्होंने कंसर्न किए, उनके कंसर्न का इनपुट लें, अभी भी लॉ एंड नेशनल असेंबली में लेजिस्लेटिंग, अभी भी टाइम है, वी कैन अमेंड दैट, उनके इनपुट को लें, गोरों को बिठाएं जी, मार्क ज़करबर्ग का इनपुट लें फेसबुक के, भाई पाकिस्तान में हम ये करने लगे, हम बहुत बड़ा यूज़र बेस है पाकिस्तान, 22 करोड़ की आबादी है, कितने इंटरनेट यूजर्स हैं, फेसबुक का एक मेजर चंक पाकिस्तान है, उसको इनपुट लें, इलॉन मस्क से इनपुट लें, बिल गेट्स से इनपुट लें, पाकिस्तान में टेक के जो काम कर रहे हैं, zameen.com के फाउंडर को बुलाएं, पार्कफील्ड्स वाले को बुलाएं, फूड पांडा को बुलाएं, जिनके ऊपर फाइन्स पड़ने हैं उनको बुलाएं, कि भाई हम ये कानून बना रहे हैं, आप बताओ हम क्या करें, जिसने GDPR का कानून लिखा है या चला रहा है उसको बुलाएं, EU से, US से बुलाएं, सब मिल बांट के काम करें, तो फिर एक यूनिवर्सल वर्ल्ड बनेगी और यूनिवर्सल लॉज बनेंगे जो सबके लिए आसान होंगे। यूनिवर्सल लॉज हों, हर मुल्क में अडेप्ट करना ईजी है, डिफरेंट लॉज हों, सख्त लॉज हों, बहुत मुश्किल हो जाता है। मेक सेंस। आई एम गोना रैप दिस अप एट द 1 आवर 20 मिनट मार्क, बट थैंक यू सो मच फॉर दिस वेरी वेरी इनसाइटफुल सेशन। माय प्लेजर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एब्सोल्युटली, एंड आई एम गोना आस्क यू वन लास्ट क्वेश्चन, आई जनरली आस्क ऑल ऑफ माय गेस्ट्स, पर्टिकुलरली फ्रॉम पाकिस्तान, हाउ डू यू सी पाकिस्तान, you're at the perfect age, because that will be the year you'll effectively reach the retirement age as we know it currently. What is that? How do you see Pakistan in 2050, 27 years from now, knowing what you know now? You've lived in the UAE. Yes, I have lived in UAE for 7 years. Yes. ظاہر ہے کہ آپ نے, آئی ایم شیور آپ نے ٹریول آگے پیچھے بھی کیا, یو ار ارلیئر ٹیلنگ می یو ار ان سوڈان ایٹ سم پوائنٹ ایز ویل, سو ہاؤ ڈو یو سی بیسڈ آن آل آف واٹ یو نو ناؤ, سیئنگ واٹ یو سین پاکستان آف 2050, دو تین چیزیں میں اس میں ایڈ کروں گا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیئر کہ پاکستان میں یوتھ پاپولیشن بہت فٹ ہے, بہت بڑی ہے, تو بس میجک ہو جائے گا, پرانا ہو گیا, پرانا ہو چکا ہے. آئی آلسو ڈونٹ وانٹ ٹو ہیئر این اف, کہ اف یہ ہوا تو یہ ہو جائے گا. آئی وانٹ کہ نوئنگ واٹ یو نو, اس سے بس پروجیکٹ کر کے مجھے بتا دیں کہ آپ کو کیسا دکھ رہا ہے 2050 کا پاکستان. دیکھیے جی, آئی مائی سیلف ایم اے ویری آپٹیمسٹک پرسن, اور آئی ہیو پازیٹیو ہوپس, اور وہی افس اینڈ بٹس والی بات نہیں کروں گا. دیکھیں جی, قرآن بھی کہتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. آئی تھنک پاکستان ابھی مشکلات میں ہے, اینڈ مشکلات ساری زندگی نہیں چلتی, کسی بھی ملک کے لیے نہیں چلتی. آج اگر کوئی ملک غریب ہے تو کل کو وہ سپر پاور بھی بن جاتا ہے, اور آج کوئی اگر سپر پاور ہے تو کل کو اس کا زوال بھی آ جاتا ہے. ٹیک رشیا فار ایگزامپل, یا کوئی بھی, چائنا کو دیکھ لیں کہاں سے وہ پیک پہ گیا ہے, اور بہت سارے ملک ہیں, رشیا کو دیکھیں کہاں سے اوپر سے نیچے آیا اور دوبارہ واپس پیک پہ جا رہا ہے.
तो बुरे दिन चल रहे हैं, तो पाकिस्तान के अच्छे दिन आएंगे इंशाल्लाह। और आई थिंक ये जो क्राइसिस है, कोई ना कोई तो इसको सॉर्ट आउट करेगा, समवन विल फिक्स जो भी हमारे डेट्स हैं, जो भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज के मसले हैं, कुछ ये एक ना एक दिन ठीक हो जाने हैं। यंग लॉर्ड की आपने कहा थी बात नहीं करनी, मगर मैं करूँगा, क्योंकि यंग लॉर्ड इज़ वेरी ब्राइट। हमारे जो पुराने लोग हैं और आज के लोग हैं, उनको टेक्नोलॉजी की, उनको अवेयरनेस और उनको एक्सपोजर नहीं था, बहुत फ़र्क है हमारे पेरेंट्स की, हमारे जो एंसेस्टर्स की सोच में और आज की सोच में, बहुत फ़र्क आ गया। हमारे मुल्क में भी कल्चर हैज़ चेंज इन पाकिस्तान, थिंग्स हैव चेंज, डूइंग बिजनेस हैज़ चेंज, चीज़ें बेहतर भी हो रही हैं, ख़राब भी हो रही हैं दोनों, बट इट विल टेक टाइम। वही आपकी बात है, टेक्नोलॉजी इज़ वन एरिया जिसके ज़रिए चीज़ें बेहतर बनाई जा सकती हैं। हमने जो इस पॉडकास्ट में डिस्कस किया कि AI के ज़रिए हम जुडिशरी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, आपने भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया। इसी तरह हर फील्ड में कोई कोई चीज़ें ऐसा ऐसा आती रहें, तो पाकिस्तान में ऐसा ऐसा चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। बट वही बात है कि फ्रेश इनपुट लेना बहुत ज़रूरी है, सारे स्टेक होल्डर्स को लें, अकेले कोई काम ना करें, सख्त ना हो, जितने लॉ मेकर्स हैं थोड़े नरम हो जाएं, फ्लेक्सिबल हो जाएं, तो आई थिंक इंशाल्लाह लोगों के लिए भी आसानी पैदा करें, अपने लिए भी करें, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान दोबारा विल स्टैंड अप इन द वर्ल्ड। मेक सेंस आदम, थैंक यू सो मच कमिंग इन एंड शेयरिंग योर इनसाइट। थैंक यू एंड फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको एपिसोड पसंद आई हो, अपने दोस्तों यार के साथ जरूर शेयर करिएगा। यूट्यूब वाले लाइक का बटन दबाएंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी, ज्यादा लोगों तक हमारी कॉन्वर्सेशन पहुंचेगी। ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, आने वाले एपिसोड्स का आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो व्हाट यू थिंक अबाउट द न्यू डेटा प्राइवेसी लॉज। इफ यू हैवंट हर्ड अबाउट देम, डू चेक देम आउट, गूगल पे पढ़ा हुआ है, यू कैन गो थ्रू द प्रपोज्ड लॉ एज वेल एंड शेयर योर इनपुट ऑन व्हाट यू थिंक द पोटेंशियल आउटकम इज़। इसी के साथ साथ बाकी चीज़ हमने डिस्कस की, AI पोटेंशियली कैसी जा रही है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे होगी, ओनरशिप किसकी होगी, और डेटा प्राइवेसी कैसे इवॉल्व करेगी, विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ डू यू थिंक के AI बहुत रेवोल्यूशनरी चेंजेस ला सकती है या नहीं ला सकती, लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर। बट एनी वेज, दिस वॉज सईद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी, यू आर वॉचिंग थॉट बिहाइंड थिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।